हम ये कर सकते हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, आपका इस्तकबाल है, खुश आमदेद। अरे साहब, आप लोगों की मोहब्बतें है ना अबू जर उस्मानी साहब, अबू जर उस्मानी साहब नहीं शो हो रहे हैं, दिखा रहे थे इस पर। अबू जर उस्मानी साहब, कहाँ से जुड़ गए? किसी और दूसरे के नाम से होंगे वो, नाम चेहरा देखो ना, पहचान लेंगे हम। खाली वो नजर नहीं आ रहे हैं। अहमद फातमी साहब है ना, फातमी साहब नजर नहीं आ रहे हैं। और नाबूजर पहले जुड़े थे ना, फातिमी साहब मुझे अपना ये कर रहे हैं, बड़ा करो फातिमी साहब को। फातिमी साहब को बड़ा करो जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब असलम साहब, खैर मकदम है, खुश आमदेद। खान मोहम्मद रिजवान साहब, सलाम अलैकुम। खान मोहम्मद रिजवान, माइक ऑन कीजिए भाई। खान मोहम्मद रिजवान साहब जी, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। अलैकुम सलाम वरहमतुल्लाह, चलिए आपका खैर मकदम। जज़ाकुमुल्लाह। उधर इस्मानी साहब नजर ही नजर आ रहे हैं, और फातिमी साहब जुड़े हैं जी। मैं हाजिर हो गया जी, मैं आ गया हूँ जी। जी फातिमी साहब, एक मिनट अमर, इंशाल्लाह चेहरे अनवर पर तब्दीली आ गई जी। मुबारक तब्दीली, माशाल्लाह, मुबारक बात। हाँ माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। एक हमारे अबूजर हाशमी साहब, अभी अबूजर उस्मानी साहब अभी तशरीफ नहीं लाए, देखिए उनको। अबूजर उस्मानी साहब को फोन कीजिए बाबू। हाँ फोन कीजिए। फातिमी साहब आपने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसा मिजाज है? बहुत नूरानी चेहरा है भाई, माशाल्लाह। बस इधर कुछ कैद व बंद का शिकार रहे, लॉकडाउन, रमजान शरीफ, ये वो हादसा, ये सब कुछ मिला विला के हमने कहा चलो अब क्या कहीं आना जाना। लोगों ने मुझे मेरी आवाज से पहचाना। वो पाटदार आवाज, खूबसूरत आवाज, माशाल्लाह, वही पहचान है, मेरी आवाज ही पहचान है। अबूजर उस्मानी साहब को फोन करो, वो मुनसलिक हो जाए। डायरेक्टर साहब क्यों नहीं आ रहे? डायरेक्टर साहब देखो, बुलाओ जी आमिर, और उस तरह की नहीं। हाँ 40 सेकंड से हम तो शुरू कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त इलाहाबाद में ब्रेकडाउन है, बड़ी मुश्किलों से हो पा रहा है ये, जल्दी से इसको। हाँ अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम। हाँ मेरी आवाज साफ है आप लोगों के लिए? ये आ रही, आ रही है बिल्कुल साफ। शहजाद अंजू साहब बिल्कुल साफ। रिजवान साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ। अब हमारे अबूजर उस्मानी साहब अभी तक नहीं जुड़े,
कल तो जुड़ गए थे बहुत जल्दी। वो अपनी घड़ी दुरुस्त नहीं रखते हो, हम उसी को देख रहे हैं। अबुजर हाश उस्मानी साहब का क्या हुआ, बात नहीं हो पा रही उनसे? जुड़ गए थे इनके नाम से, आज क्या हो गया? टाइम हो गया उधर तुम्हारे साथ क्या बोले? हाँ ये दो आदमी गए सर, तीन आदमी पीछे हटना पड़ा था। शुक्र करते हैं सर, है ना? शुरू अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से जो नहायत मेहरबान और बड़ा ही रहम वाला है, जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कलम के ज़रिया इल्म सिखाया और उर्दू जैसी शीरी ज़बान अता फरमाई। कली माजिज़ यादगारी वेबिनार के मोहतरम और मोअज़्ज़म सदर प्रोफेसर अबूज़र उस्मानी साहब, मोअज़्ज़ज़ और ज़ीवक़ार मक़ाला ख़ान प्रोफेसर अली अहमद फ़ातमी साहब, प्रोफेसर शहजाद अंजुम साहब, अजीज़ुल क़द्र डॉक्टर ख़ान मोहम्मद रिजवान, हमारे उर्दू डायरेक्टरेट के डायरेक्टर मोहतरम अहमद महमूद साहब, इस वेबिनार से मुंसलिक सभी जुमला नाज़रीन व नाज़रात, सामईन व सामियात, अभी कलीम को पहचानता नहीं कोई, अभी कलीम को पहचानता नहीं कोई, ये अपने वक्त की गुजड़ी में लाल है प्यारे। खुश वाह वजा खुश तबा खुश वाह खसाल खुश खसलत खुश गुलू खुश कलाम और खुश लिबास शायर कली माजिज़ बिहार की उर्दू शायरी का नहायत आली मर्तबत मुक्तदिर मोतबर मुस्तनद मारूफ और मकबूल नाम है। कली माजिद बिहार की शेरी अजमत का निशान थे, वो ऐवान गज़ल की शान थे, उन्होंने आलमी सतह पर जो अपनी शनाख्त बनाई, जो अजीम शान शोहरत मकबूलियत इज्जत हासिल की, वो बिलाशुबा काबिल रश्क और फ़कीदुल मिसाल है। कली माजिद ने तकरीबन 7 दहाइयों तक खून जिगर से शेर सुखन की आबियारी की, उनकी नसरी और शेरी तसानीफ 14 हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा शोहरत मकबूलियत उनकी जलील कद्र तसनीफ वो जो शायरी का सबक हुआ को हासिल हुई। इस तसनीफ में उर्दू शायरी और उर्दू नसरनिगारी के ऐसे दिलपजीर दिल गिरफ्ता और खूबसूरत नमूने मिलते हैं कि जिसकी मिसाल मिलनी महाल है। इस मायानाज तसनीफ की तकरीबन 1 लाख कॉपियां अब तक फरोख्त हो चुकी हैं। कलीम आजिज बिलाशुबा हम अहालियानी बिहार के लिए काबिल फख्र हैं और हमें बजा तौर पर उन्हें नाज है। कलीम आजिज की इनफरादियत सरबलंदी और अजमत यह है कि उनकी जिंदगी में ही उनके कई अशार जरबुल मसल बन गए। दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात कहने का सलीका चाहिए, अपना तो काम है कि जलाते चलो चराग, रास्ते में खाह दोस्त के दुश्मन का घर मिले। भला बताइए तो
कितने शायर इतने खुशबख्त हैं जिनकी ज़िंदगी में इतने सारे अशार ज़रबुल मसल बन गए हो। दामन पे कोई छीट, खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो, इसको पड़ोसी मुल्क की पार्लियामेंट में भी पढ़ा गया, इंदर सिंह नामधारी साहब ने झारखंड के असम्बली में भी पढ़ा, और न जाने कितने लोग इस शेर को हमेशा पढ़ते रहते हैं। अली माजिद की शायरी का सबब 1946 का वो फ़िरका वाराना फसाद है जिसमें ठीक बकरीद के दिन उनकी वालिदा और उनकी छोटी बहन रशीदा खातून और उनके ख़ानदान के तकरीबन 15-16 अफराद शहीद हो गए थे। इस अजीमुशान हादसे ने कलीम आयस को लाजवाल सरमाया गम अता कर दिया और उन्होंने इस गम को शेरी पैकर अता किया। वो इस गम में की आग में जलते रहे, तड़पते रहे और खून जिगर से शेर सुखन की आबियारी करते रहे। बुझने का ख्याल आता ही नहीं, रोशन जो हुए एक शाम से हम, तकलीफ सुलगने तक ही थी, जलते हैं बड़े आराम से हम। और कहते हैं कि वो जो शायरी का सबब हुआ वो मामला भी अजब हुआ, मैं गज़ल सुनाऊँ हूँ इसलिए कि ज़माना उसको भुला न दे। कलीम आजिज की शायरी हिंदुस्तान की तारीख़ की झलकती हुई तस्वीर है। इसमें आप हिंदुस्तान का नक्शा देखेंगे, हिंदुस्तान की सियासी तारीखी सूरत हाल आसानी से मरतब कर सकते हैं। आज़ादी का नक्शा उन्होंने इस अंदाज से खींचा, यह पुकार सारे चमन में थी, वो सहर हुई, वो सहर हुई, मेरे आशियाँ से धुआं उठा तो मुझे भी इसकी खबर हुई। और तुम तो मसरूफ़ चरागा थे, तुम्हें क्या मालूम इस दिवाली में दिए बुझ गए कितने घर के। इसी तरह से आज़ादी के बाद जब फ़िरका वाराना फसाद का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने ये अशार कहे, इस नाज से इस अंदाज से तुम हाय चलो हो, रोज़ एक गज़ल हमसे कहलवाए चलो हो। यह अरबाब हुकूमत से उनकी मुखातबत थी। और आप देखेंगे कि इमरजेंसी के ज़माने में उन्होंने इशारा किया, मुतनब्बा किया, ये शह सवार वक्त हैं इतना नशे में चूर, ये शह सवार वक्त हैं इतना नशे में चूर, गिर जाएंगे अगर ये उतारे न जाएंगे। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि कलीम आजिज़ की शायरी में मुकम्मल सियासी बातें हैं, तारीखी बातें हैं, लेकिन गज़ल का मुकम्मल पैरहान है। कहीं भी उन्होंने गज़लियत को मजरूह नहीं होने दिया है। ये कलीम आजिज़ का कमाल फ़न है, उनकी इनफरादियत है और उनकी इम्तियाजी शान। ऐसा बुलंद मर्तबत शायर, ऐसा रफ़ी क़द्र शायर अपनी शायरी नसर निगारी का जादू जगाकर, ऐवान शेर अदब को जगमगा कर 15 फरवरी 2015 को इस दुनियाए आबगिल से रुख्सत हो गया और उसके बाद शम्मा गज़ल कमज़ो हो गई। ऐवान सुखन में सन्नाटा छा गया और दबिस्तान अजीमबाद यतीम सुखन से लगने लगा। लेकिन आज भी कलीम आजिज़ की बेमिसल शायरी और लाजवाल नसर निगारी हमारे शेर अदब की दुनिया को जगमगा रही है। कलीम आजिज़ को असहाब नकद नज़र से ये शिकायत थी और है, जो वजह है कि सुना है लोग फ़न से साहिब फ़न तक पहुँचते हैं मगर हम तक हमारे ढूंढने वाले कहाँ पहुँचे। हम आज की महफिल में उन्हें ढूंढने के लिए, उन तक पहुँचने के लिए, उनकी शेरी अजमत का एतराफ़ करने के लिए, उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए, नई नस्ल को उनसे मुतारिफ़ कराने के लिए हम लोगों ने आज का ये वेबिनार उर्दू डायरेक्टरेट ने मुनाकिद किया है। और मैं इसके बाज़ाब्ता आगाज़ के लिए बहुत अदब के साथ अपने डायरेक्टर मोहतरम अहमद महमूद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वह तमाम मेहमानों का, वेबिनार से जुड़े तमाम लोगों का इस्तकबाल कर आज की महफिल की गरज व गायत पेश करें। मोहतरम जनाब अहमद महमूद साहब। शुक्रिया असलम साहब, आज के इस वेबिनार में मैं सबसे पहले सदर मोहतरम प्रोफेसर अबूज़र उस्मानी साहब का खैर मकदम करता हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियत के बावजूद आज के इस वेबिनार में शामिल होने के लिए तैयार हुए। सर आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ ही मैं खैर मकदम करता हूँ प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब का, साबिक सदर शोबे उर्दू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के,
मुझे पता चला कि कुछ आपके यहाँ शहर में बिजली का भी मसला है, उसके बावजूद आप इस वेबिनार में शामिल हुए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। प्रोफेसर शहजाद अंजुम साहब, सदर शोबे उर्दू जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली, आपका भी मैं वेलकम करता हूँ। डॉक्टर खान मोहम्मद रिजवान साहब, नाकिद व अदीब जामिया नगर नई दिल्ली, तो आपका भी बहुत बहुत मैं इस्तकबाल करता हूँ आज के इस वेबिनार में। जैसा कि असलम साहब ने डिटेल्स में बताया कि हमारे यहाँ उर्दू डायरेक्टरेट में यादगारी तकरीबात होती हैं, लगभग साल में 24 यादगारी तकरीबात होती हैं। उसी सिलसिले में ये तकरीब कलीम आजिज साहब मरहूम की हम लोग पहले ही करना चाह रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग फिज़िकली करना चाह रहे थे, लेकिन COVID-19 की वजह से वो ऑफलाइन करना पॉसिबल नहीं हो सका। तो हम लोगों ने वेबिनार्स के ज़रिए उनको खराज अकीदत पेश करने की एक पहल की है। तो तीन नए मखाला हजरात हैं, प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब कलीम आजिज की शायरी पर एक तनकीदी नज़र, उनका मखाला का ये टॉपिक है। प्रोफेसर शहजाद अंजुम साहब के मखाला का टॉपिक है कलीम आजिज की नसर निगारी, और डॉक्टर खान मोहम्मद रिजवान साहब कलीम आजिज की कलीम आजिज के शख्सी अहवाल आसार। ये तीन टॉपिक हम लोगों का है जो मखाला का, और उसके बाद सदर मोहतरम जो है तो सभी लोगों का कलेक्टिवली फिर वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। कलीम आजिज साहब एक ऐसी शख्सियत है कि हम लोग वेबिनार्स के ज़रिए उनका प्रोग्राम नहीं करना चाह रहे थे, हम लोगों की ये ख्वाहिश थी कि एक बड़े हॉल में एक बड़ी यादगारी तकरीब हम लोग उसको मनक़द करें, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं और आगे भी ऐसा कुछ बड़ा कन्फ्यूज़न की हालत है कि आगे भी हम लोगों को क्या परमिशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने सोचा कि उनकी तकरीब को हम लोग वेबिनार्स के ज़रिए उसका इनेकाद करें। बिहार के नगीना कोहिनूर कलीम आजिज साहब के बारे में क्या कहना, उनकी तारीफ़ करना है कि एक है ना मसले की सूरज को दिया दिखाना, तो वह पद्मश्री भी उनको मिला, बिहार का जो मौलाना मजहरुल हक शिखर सम्मान है वो मिला, और गालिब एकेडमी के आवाज़ से भी वो सब उनको उन्हें नवाजा गया। और उनकी जो शायरी वगैरह है ये इसमें इस ऊंचे मेयार की है कि मतलब उनके जो हम कुछ अशार देख रहे थे पहले भी हमने देखा है, लेकिन अभी जो ये है तो वो एक एक जिसको कहते हैं कि लफ्ज़ जिसको गोल्डन वर्ड्स कहते हैं, एकदम सोने में जिसको तोला जाए, क्या क्या गहराई है उनके मतलब की शायरी में। तो ये हम लोगों का एक फ़र्ज़ बनता है एज डायरेक्टर उर्दू डायरेक्टरेट, ये जो हमारे बुजुर्ग उर्दू की इतनी खिदमत करके चले गए, अब इनका जो भी कंट्रीब्यूशन है, जो ज़खीरा वो छोड़ कर गए हैं, उसको बचाए रखना, प्रिजर्व करना, ये बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उर्दू के पढ़ने का सिलसिला, लिखने का सिलसिला ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। पहले स्कूल्स वगैरह में ज़्यादातर बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते थे या उर्दू स्कूल में पढ़ते थे, तो उर्दू एक सब्जेक्ट कंपल्सरली उनको पढ़ना पड़ता था। लेकिन आज जो इंग्लिश मीडियम का और ये कॉन्वेंट एजुकेटेड ये सब का जो एक सिलसिला चला है, तो हम आपके भी जो बच्चे हैं, आपके नाती पोता जो भी हैं, वो लोग उर्दू अब हम लोग उनको घर पर ही पढ़ाने का निज़ाम रखते हैं। वो मौलवी साहब आ रहे हैं उर्दू पढ़ा रहे हैं, अरबी पढ़ा रहे हैं, स्कूल में ऑलमोस्ट जो है तो बच्चे अब उर्दू की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो अब ये सब जो शख्सियत जो हमारी हमारे बीच से चली गई है, अब पता नहीं इनको समझने वाले, इन्होंने जो ज़खीरा छोड़ा है उसको पढ़ने वाले, समझने वाले ये लोग भी अब आगे आज से 20 साल 30 साल 40 साल के बाद पता नहीं कौन लोग होंगे। तो ये बड़ी मतलब जिम्मेदारी है, और ये सिर्फ बिहार के ही नहीं, वो बैन अल-अक़वामी सतह पर जो है तो कलीम आजिज साहब की, इनकी अब इनकी शायरी देखिए, वो तो कहिए हमने रख ली
आशियाने के लिए, वरना इतनी आग काफी थी जमाने के लिए। क्या गहराई है इस शेर में, और इसका अगर मतलब निकालिए तो मतलब जिसको कहते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन अपने आप में थे कलीम आजिज साहब, वो मतलब। और उनका एक शेर हम देख रहे थे कि जो आज के इस यादगारी तकरीब के लिए काफी मुनासिब है, गुजर जाएंगे जब दिन गुजरे आलम याद आएंगे, गुजर जाएंगे जब दिन गुजरे आलम याद आएंगे, हमें तुम याद आओगे, तुम्हें हम याद आएंगे। तो बड़े याद आज कलीम आजिज साहब जो है, तो हमने तस्करा एक दो लोगों से किया, हमारे एक बैचमेट हैं उनसे भी, तो वो भी बड़ा उनके जो है, तो उनकी शायरी में, उनके अफसाना निगार में उनकी भी बड़ी दिलचस्पी थी। तो उन्होंने भी कहा कि भाई ये तो ऐसी शख्सियत है कि बिल्कुल लगता है कि हम आपकी जो बात है, जो हम जो बहुत से ज्यादा मतलब एक होता है ना कि 3 4 5 पेज में जो बातें कहें, वो बस एक शेर उनका आप जो है तो पढ़ लीजिए तो लगता है कि वो सारी बातें निचोड़ कर उस शेर में जो आ गई। इसीलिए हम कहते हैं कि गोल्डन वर्ड्स, बिहार के नगीना कोहिनूर, मतलब क्या उनकी तारीफ करें। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हमारे मखाला का हजरात हैं वो इस पर रोशनी डालेंगे, तो जो हमारे सदर मोहतरम और मखाला का हजरात हैं उनके अलावा आज के इस वेबिनार में यूट्यूब के जरिया और फेसबुक के जरिया और जो हमारा इसका कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का लिंक है उसके जरिए जो लोग जुड़े हैं, उन सभी लोगों का भी मैं खैर मकदम करता हूं कि आपने अपना बेशकीमती वक्त निकाला और आप इससे जुड़े, और मुझे उम्मीद है कि हमारे मखाला का हजरात जो अपनी बातें रखेंगे और सदर मोहतरम जो उस पर अपना तजिया करेंगे, उससे आप लोग उनको फ़ायदा होगा और हम लोग इनकी याद को अपने दिल में रखेंगे। और ये कोशिश होगी कि कलीम आजिज साहब के साथ साथ और भी जो हमारी उर्दू के जो दानिश्वरान जिनका इतना कंट्रीब्यूशन रहा, जिन्होंने इनफैक्ट हम लोगों ने इनकी किताबें और उनके शेरी जो मजमूए हैं उनको पढ़कर ही उर्दू सीखी। एक होता है ना उर्दू का टेक्स्ट, तो इन्होंने जो कहा तो हम लोगों को लगा कि हाँ ये एक उर्दू का मेयार होना चाहिए, एक इतना हाई स्टैंडर्ड जो है तो इन लोगों ने सेट किया है। तो हम लोगों की कोशिश होगी कि उर्दू डायरेक्टरेट के ज़ेर एहतमाम इस तरह की यादगारी तकरीबात और भी जो प्रोग्राम्स होते हैं हम लोग लगातार उनका इनेकाद करते रहें। आप लोगों की इंशाल्लाह दुआएं रहीं, आप लोगों की सरपरस्ती रही, तो हम लोग और आगे भी मजीद प्रोग्राम्स ये करेंगे। सभी लोगों का मैं फिर से तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, और अब मखालखा हजरात से गुजारिश होगी कि वे अपने मखाला को पढ़ें और सभी लोगों को उससे फायदा पहुंचे। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद महमूद साहब, आपने बताया कि कलीम आजिज़ बिहार की शायरी का नगीना थे, कोहनूर थे। उनके शेर का एक एक लफ्ज़ जर्री लफ्ज़ है, सुनहरा लफ्ज़ है, आब जर से लिखे जाने के लायक है। और फिर उन्होंने इस अज़्म का भी इजहार किया कि इनके अलावा और भी ऐसी शख्सियतें हैं जिनका बिहार के उर्दू अदब और शायरी में ताउन है, जिनका एक नाम है, जिनकी एक पहचान है, जिनको सनद हासिल है। उनके सिलसिले में भी हम आगे यादगारी तकरीबात का इनेकाद करते रहें। अब हमारा प्रोग्राम है, हमारे 3 मोज़ज़ बकाला खां कलीम आजिज़ के सिलसिले में अपनी बातें पेश करेंगे। मैं प्रोफेसर अली अहमद फातवी साहब से गुजारिश करूँ कि कुछ वक्त है अभी, मैं एक एक मकाला खान मोहम्मद रिजवान को पढ़ने दो या आप पढ़ेंगे? नहीं, मुझे पढ़वा दीजिए, धोखा है जी जी किसी बेहतर वक्त बेहतर, एक के। मिनट एक मिनट, बस बस बस। तो हाँ, आप माफी चाहूंगा खान खास साहब से और शहजाद अंजुम से, लेकिन मैं चाहता हूँ जल्दी से हो जाए, वरना भाई कहीं टूट गया लिंक तो मुसीबत हो जाएगी। जी, बहुत बेहतर। हमारे मोअज़्ज़ज़ मकाला खान अब जो तशरीफ़ लाएंगे, हालांकि सबसे सीनियर हैं और उनको आखिरी में पढ़ना था, तहजीब का तकाजा ये था, लेकिन उन्होंने हम लोगों को ये हिदायत दी है, कहा है कि आप हमको पहले पढ़वा लें। तो प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब दौर हाजिर के मोतबर मुस्तनद और मारूफ तनकीद निगारों में शामिल हैं। एक बहुत ही मुमताज़ नाम है प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब का। उर्दू तनकीद के हवाले से प्रेमचंद से लेकर कृष्णचंद तक
इकबाल, जोश, फलाक, मिजाज, फैज वगैरह से वगैरह तक प्रोफेसर अली अहमद फातवी साहब ने जो काम किया है वो उन्हें आलमी सतह के एक मोतबर मुस्तनद नाकिद की सफ़ में ला खड़ा करता है। उनकी हालिया तसानीफ, नावल के शेरियात, मरसिए की जमालियात जैसी मुख्तदिर तसानीफ ने आपको सफ़े अव्वल के तनकीद निगारों में साबित किया है। अली सरदार जाफरी के कुलियात के तरतीब, कई सफ़े नामों और रिपोर्टाज वगैरह की तालीफ फातवी साहब को एक नई शनाख्त अता करती है। इनकी सभा नहीं तारीखी तसनीफ़ प्रोफेसर कमर रईस तनकीद और तहरीक बेहद जहन कुशा है और कमर रईस के हवाले से तरक्की पसंद तहरीक के सिलसिले में एक तारीखी दस्तावेज़ की हैसियत रखती है। उनकी ताज़ा तरीन तसनीफ फ़न और फनकार, नए और पुराने अदबा शोरा की शख्सियत और फ़न पर ऐसी वकी और रफी शान किताब है जिसके लिए बेसाख्ता कलमाए हया आफरी निकल पड़ते हैं। इसमें खाका निगारी और शख्सियत नामा जैसी सिर्फ मिलती है जिसका मताला हमें यकीनन मसरत से बसीरत की तरफ ले जाता है। प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से सबकदोश हुए हैं और सबकदोश होने के बाद वो पहले ज़्यादा फाल और मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। चश्मे बद्दूर आज की इस यादगारी वेबिनार की सदारत फरमा रहे हैं आप, और हम आपसे आपके माफ़ कीजिएगा, आज के इस यादगारी वेबिनार के मोअज़्ज़ज़ मक़ाला ख़ान की हैसियत से तशरीफ़ फरमा है और आप कलीम आई साहब के बड़े क़दरदान मददार रहे हैं। हमने उनसे गुजारिश की थी तो उन्होंने कलीम आई साहब की शायरी के हवाले से अपना मक़ाला कलमबंद किया है। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो अपनी बातें अपने कलमात से हम लोग को नवाजें। प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब, बहुत शुक्रिया असलम जावेदा साहब और जनाब सदर कुसर उस्मानी और अहमद महमूद साहब, असलम साहब और हमारे दीगर मकाला खां अहबाब। मेरी ये खुशबख्ती रही है कि मैंने अपनी आँखों से कलीम आजिज साहब की ज़्यारत की है और बाज़ दफ़े तो उनके साथ स्टेज भी शेयर किया है पटना में यहाँ वहाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कुर्बत नहीं थी। लेकिन जब मुझे ये मज़मून लिखने की नौबत आई तो मैंने ये देखा कि कुछ इस्तलाहें हैं किसी शायर के बारे में जो राइज हो जाती हैं तो उसी पर ठप्पे पर ठप्पा लगता रहता है। कलीम आजिज साहब के लिए भी ये शायर गम हैं और जानशीन मीर तकी मीर हैं और ये हैं वो हैं, तो मैंने इस पहलू को भी देखा और दूसरे पहलुओं को देखा। अवील मकाला है, मैं छोड़ छोड़ के पढ़ूंगा, बेरबती तो आ जाएगी, लेकिन बहरहाल वक्त जितना दिया गया है मैं कोशिश करूंगा उसी पे ख़त्म करूं। तो मुझे ये ऐसा करना है कि देखिए ये ज़िंदगी जो है वो गम और निशात के बेशुमार रंगों से इबारत है। दुनिया की हर बड़ी शायरी हो या उर्दू की कदीमी क्लासिक की शायरी हो, हर जगह हर मंजिल पर इन बेशुमार रंगों में रंज व गम का जो रंग है वो यकीनन हाजिर। गज़ल मुमूमी तौर पर, रसाई शायरी में खुसूसी तौर पर डॉक्टर यूसुफ हुसैन खान ने, जिन्होंने गज़ल पर जखीम और काबिल कद्र किताब लिखी है, एक जगह वो भी लिखते हैं कोड, आशिकाना शायरी को आप दर्द व अलम के ख्यालात से अलग नहीं रख सकते, बग़ैर इदरा के गम खुद इंसानी शख्सियत अधूरी रहती है, गम की धीमी आँच में सुलगने से शख्सियत के जौहर निकलती है, अनकोर। मिसालें और भी हैं, हवाले भी और, लेकिन यहाँ मुझे कलीम आजिज के गम और शौर गम को समझना होगा। इसलिए रास तौर पर पहले उनकी शख्सियत के ताल्लुक से चंद इशारे और फिर उनकी शायरी पर दो एक पहलुओं पर बिखरी बिखरी सी बातें अर्ज करूँगा। सबसे पहले तो यही सवाल उभरता है कि जो शख्स इब्तिदान किस्से कहानी से गैर मामूली दिलचस्पी रखता हो, तजारत कसरत शरारत जैसे गैर शायराना अनासिर से शगल लगता हो, वो शायरी की तरफ कैसे और किस तरफ मुतवज्जे हुआ। डॉक्टर असलम जावेदा ने अपनी किताब में जगह लिखा है कि कलीम आजिज को बचपन ही से किस्से और कहानियों का शौक रहा है और शौक को उभारने में उनकी बड़ी बहन महमूदा खातून का बड़ा हाथ है, जो उन्हें नज़ीर अहमद और दूसरे नावलगारों के किस्से पढ़कर सुनाया करती थी और कलीम आजिज को खुद भी पढ़ने के लिए कहा करती थी। कोटेशन लंबा है, मैं छोड़ रहा हूँ। तो देखना यह है कि शायरी से
तो मेरा अंदाजा यह हुआ जो एक शायराना नजर डाली उनकी सवाने हयात पर कि शायरी से साबका उन्हें कलकत्ते में पड़ा जब उन्होंने अपने बड़े नाना मौलवी अमीरुद्दीन के साथ चंद साल गुजारे। कलकत्ते का कयाम उनकी जिंदगी में एक अहम मोड़ रखता है जहां उनके जौक शायरी को जिला मिली, दास्तानों नावलों के साथ साथ शायरी पढ़ने और समझने का शौक पैदा हुआ। ख्याल है कि कलकत्ते में जो लोग थे वो काफी उस वक्त राय थे, मैं कभी आप नाम लूंगा, एक उस जमाने में लखनऊ के स्कूल के तमाम मशहूर शोरा मुसफ़ी इंशा नासिख रिन सभा वजीर दाव ये सब उन्होंने वही और अमीर के दवावीज पढ़े। इस फहरिस्त में ये बात नोट करने की है कि इस फहरिस्त में लखनऊ के रोमानी शोरा ज्यादा है, गैर लखनऊ में दाग जरूर है लेकिन दाग और दबिस्तान दाग जिस नौ की इश्किया शायरी के लिए शोरा सकते हैं वो किसी से पोशीदा नहीं। शायरी की तरफ आना और इब्तदान रोमानी व क्लासिकी शोरा को पढ़ना ये सब बहुत गौर करने की बात है। कलीम साहब ने एक जगह खुद लिखा है कि कलकत्ते का कयाम, घर की दूरी और वालिद साहब की सख्त उसूल परस्ती ने रद्द अमल के तौर पर मुझ में दो चीज़ें पैदा कर दी, अव्वल मुतालिया और दूसरी तमाश भी नहीं। तो मुलाहजा कीजिए, मुतालिया और तमाश भी नहीं, एक एक पैराडॉक्स बिल्कुल। ज़रूरत से ज़्यादा तमाशबीनी की आदत ने वालिद को बरहम कर दिया और एक दिन नौजवान कम उम्र कलीम को भरपूर तमाचा मारकर आजिज़ बना दिया। मुताले से ज़्यादा मुशाहदा और तमाशे से ज़्यादा तमाचा, गरत के इन सब तजुर्बे ने गुल खिलाने और गुले शायरी के खिलने के लिए तैयार किया। घर से दूरी, दरबदरी, तमाशाबीनी और इरादे खुदकुशी ये सब वो अनासिर हैं जो शऊर कायनात और शऊर हयात की कड़ी दर कड़ी बनते हैं। फिराक साहब ने जगह बड़ी अच्छी बात लिखी है कि उम्दा शायरी के लिए शऊर इल्म से ज्यादा शऊर कायनात की जरूरत होती है। यूं तो कली माजिद असाजा और मुशायरी की महफिलों में शेर व सुखन का आगाज कर चुके थे लेकिन एक ये भी ख्याल है कि उनकी ज़ाती जिंदगी के एक बड़े आलमनाक व अजियतनाक हादसे ने कल्ब माहियत कर दी। 46 के फिरकारा वाराना फसाद में उनके घर वाले यहाँ तक कि वालदा और बहन जा बहक हो गई। ये एक वाकई बड़ा हादसा जिसने नौजवान कलीम के दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया। उनके अंदर का शायर भी मुतजलजल हुआ जिसने इब्तदान इस नौ के शेर कहलाए। मेरे लिए कैदे सहर व शाम नहीं है, रोता हूँ कि रोने के सिवा काम नहीं। आप देखिए इसमें एक जो वो एक कुनूतियत, ठीक है, तेरा दर्द इतना बड़ा हादसा है कि हर हादसा भूल जाना पड़े। लिपट लिपट के गले मिल रहे थे खंजर से, बड़े गजब का कलेजा था मरने वालों। और कहीं कहीं ये एतराफ और इजहार भी, हर शेर है तस्वीर मेरे जख्म जिगर की, हाँ देख के फिर ऐसा नजारा ना नहीं होगा। चंद आहों का मुरक्का है कलामे आजिज, डाल रखा है नकाबिस पे गज़ल खाली का। मैं शेर छोड़ रहा हूँ। इस नौ के और भी अशार हैं जिसमें फौरी रद्दे अमल की बर्जस्तगी के साथ साथ मिजाज शायरी भी झलकती नजर आती है और पहली नज़र में ऐसा महसूस होता है कि गालिबन गाली कलीम आजिज की शायरी का यही गालिब रुझान है। लेकिन बात सिर्फ इतनी होती तो कलीम आजिज सिर्फ आह आंसू के शायर होकर रह जाते और उनका ये ऐलान सिर्फ ऐलान होकर रह जाता, तेरी महफिल में किसकी आंख है जो नम नहीं प्यारे, गजल गोई हमारी मीर से कुछ कम नहीं प्यारे। शायरी में मुबालगे से काम लेना और अपने आप को मीर का हम पल्ला समझना कभी मायब शायरी नहीं समझे गए। ऐसे मुबालगे अच्छे ही लगते हैं। फिराक ने कहा था, गालिबो मीरो मुसफी हम भी फिराक कम नहीं, या फिराक का भी ये मिसरा भी, इन गजलों की के पर्दे में तो मीर की गजलें बोले। दात फिराक की हो या कलीम आजिज की, अगर महज गमी जिंदगी और अश्क पेशानी के जरिए मीर तक पहुंचने का दावा है तो यह महज शौक आरजू की कमजोर सी उड़ान। जैसा कि अर्ज किया गया कि उर्दू शायरी का रंजो गम, सितम वलन, बैन व महन वगैरह से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। मीर से लेकर फानी तक और फानी से लेकर कलीम तक ये सिलसिले फैले हुए हैं लेकिन हर कोई मीर की तरह ना खुदाए सुखन या उस्ताद सुखन तो नहीं बन पाया।
मीर वो शायर है जिसकी उस्तादी के गालिब तक कायल हुए, कोई तो फर्क है मीर और फानी के गम। आखिर वो क्या फर्क है कि पानी अच्छे शायर होते हुए भी मीर नहीं बन पाए। इन सब मामलात पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है, तभी कलीम आजिज के गम और शऊर गम को समझना मुमकिन हो पाएगा। मैं बीच बीच में कुछ छोड़ रहा हूँ, हर चंद कि मैं इस ख्याल पर ज्यादा यकीन नहीं रखता कि शायर खुद अपनी शायरी के असबाब व इलल को न सिर्फ जाहिर करे बल्कि इसरार भी करे, लेकिन जुज़वी तौर पर समझते चलने में कोई हरज नहीं। कलीम आजिज ने अपने गम और हादसात के गम के बारे में कई जगह लिखा है, एक दो इक्तिबासात मुलाहजा कीजिए। मेरी शायरी उस सोगवार तन्हाई को एक मोनिस हमनवा देने की नाकाम कोशिश, रूह की इसी तन्हाई का रद्द अमल मेरे अशार मेरी गजलें। या एक और, उसे क्या बताऊं और क्यों बताऊं, कौन तस्लीम करेगा कौन मानेगा कि मैं जो कुछ कहता हूं वो दूसरों के लिए नहीं कहता, सुनाना मकसूद कम है गुनगुनाना असल मकसूद ज्यादा, वगैरह वगैरह। हालांकि इसके बावजूद कलीम साहब ने बताया और बार बार बताया और पूरी एक किताब लिख गए वो जो शायरी का सबब हुआ। मैं कलीम साहब के इन ख्यालात की तकदीर तो नहीं करता, लेकिन मेरी तलाश तो कुछ और है। फानी बदायूनी पर तकरीर करते हुए इलाहाबाद के एक मुजाकरे में फिराक साहब को भी गमे फानी की तलाश थी। तकरीर में उन्हें उठाया, सवाल उठाया, आखिर फानी पर ऐसी क्या उस्ताद पड़ी कि जिसकी वजह से हमा वक्त वो कलेजा पकड़े रहते हैं, अश्क बहाते रहते हैं और नाश फानी का जिक्र करते रहते हैं। गम तो सभी में पड़े हैं, किसी पर कम किसी पर ज्यादा, खुद फिराक पर भी गम पड़े, लेकिन वो तो शायर जमाल कहलाए। जिंदगी के जबर कदर, इंसानी रिश्तों का सोज व गुदाज, अखलाक व तहजीब के अनमोल आसार और फलसफे हयात, आंसू को मोती में, आह को वाह में और जलाल को जमाल में बदल देता है। देखिए कलीम आजिज दूसरी जगह और क्या लिखते हैं, शायरी जिंदगी की अमानत। अब देखिए शायरी को जिंदगी जात से निकाल कर जिंदगी से वो जो होगा, शायरी जिंदगी की अमानत, फर्द खत्म हो जाता है जिंदगी खत्म नहीं होती, तो मैं हयात की इस अमानत को अपने वजूद के साथ क्यों फना कर दूं, इसे दूसरों को सौंप देना चाहिए। अब देखिए विजन में कुशादगी आती है, पहले और दूसरे, पहले बयान और इस बयान में आपको तजाद नजर आए, लेकिन ये तजाद कलीम का नहीं है, ये तजाद जिंदगी का है। इसलिए कि जिंदगी बेरहम है तो रहम दिल भी है, उसमें आग भी है और सोजो साज भी और शोला भी है और शबनम। कहना सिर्फ इतना है कि शायर जिंदगी और हादसात जिंदगी को किस तरह कबूल कर रहा है और उसे किस तरह पैमाने शायरी में ढाल रहा है। कलीम ने तो एक जगह यह भी लिखा, बचपन की तालीम, इब्तदाई जिंदगी के शौक मुतालिया और कलकत्ते के माहौल ने जहां अदबी जौक और शेरी मैलान की खामोश चिंगारियां मुझे बख्शी, वहीं जिंदगी के बुनियादी कदरों से वालेहाना मोहब्बत भी अदा की। जिंदगी की बुनियादी कदरों से वालेहाना मोहब्बत, इन जुमलों को गौर कीजिए। एक जगह और कहा, मैं अपनी शायरी को रोजाना के तजुर्बात और मुशाहदा से उनका रिश्ता जोड़ता हूँ, ये तजुर्बों और मुशाहदों की तरतीब और तरकीब मेरी मदद करती है, रोजाना के महशर वाकयात में मंतकी रक्त पैदा करती। क्या खूबसूरत जुमला कहा है, रोजाना के महशर वाकयात में मंतकी रक्त पैदा करना यह आसान काम नहीं होता। आखिर के जुमले बेहद मानी खेज हैं, जिंदगी की कदरों से वालेहाना मोहब्बत, दिल में गुदाज, अशार से मुशाहदात और तजुर्बा का रिश्ता और महशर वाकयात का मंतकी रक्त पैदा करना, यह है शायरी का वो मंतकी और तख्लीक एहसास जहाँ शायर अपनी ज़ात में कायनात को जम कर लेता है, दरिया को कूजे में भर देता है। दस्त सभा के दीवाजी में फैज ने कहा था ना, शायरी का काम महज मुशाहदा नहीं, मुजाहदा भी उस पर फर्ज है। वो कोटेशन आपका सब सुना हुआ है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। उम्दा, अब ये इस जुमले पर आपकी तवज्जो चाहूंगा आप सबकी, कि उम्दा मानी खेज और मकसदी शायरी के लिए सिर्फ आजिज होना काफी नहीं है, बल्कि इज्ज़ के साथ जिक्र व फिक्र शऊर व गयूर और जलाल व जमाल का होना भी बहुत जरूरी है, और ये अवसाफ कलीम की शायरी में बदरते अतम पाए जाते हैं। यही वजह है कि उनकी गमजदगी अफसुरदगी बहुत जल्द जिंदगी की थरथराहटों में बदल जाती है, जिंदगी का यह इर्तियाश उनके आंसुओं को जुगनुओं में तब्दील कर देता है, जहां तारीकी के बजाय रोशन सितारे जगमगाने लगते हैं। अब ये शेर देखिए,
दर्दे मंदे इश्क हैं, गम गम से न घबराएंगे हम। अभी कहा गम ही गम को सब कुछ समझ रहे थे, अब कह रहा है शायर कि दर्दे मंदे इश्क हैं, गम से न घबराएंगे हम, शायरी करते रहेंगे और मर जाएंगे हम। तबो ताबे इश्क का है करम की जमी है महफिल चश्म गम, जरा देखो ऐ हवाए गम ये चराग कोई बुझा ना दे। इश्क आसा भी है और मुश्किल भी है, फूल भी हैं गुलिस्ता में कांटे भी हैं। इश्क में मौत का नाम है जिंदगी, जिनको जीना है मरना गवारा करे। और एक ये शेर देखिए, इम्तिहाने शौक में साबित कदम होता नहीं, इश्क जब तक वाकिफ आदाब गम होता नहीं। ये गम अब सिर्फ गम आहुजारी वाला नहीं है, बल्कि एक फलसफा गम में तब्दील हो रहा है। जैसे गालिब ने किया, अमीर का भी शेर देखिए, मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों। यहाँ सलीका देखिए, मीर कह रहा है वह आदाब गम वाकिफ आदा, गम सिर्फ फूट फूट के रोने का नाम नहीं है, वाकिफ आदाब गम। अब सलीका और आदाब गम अलग अलग नहीं है, और इम्तिहान शौक इकबाल के जौक व शौक के साथ लाके खड़ा कर देता है। और फिर को शेर अकलो इश्क के ताल्लुक से दामन दिल खींचते हैं। मुलाहजा कीजिए, ना आए अहले खिरद वादिये जुनू की तरह, यहाँ गुजर नहीं दामन बचाने वाले। क्या देखिए इस पे तेवर देखिए, निसार हो गए दारो रसन पे अहले जुनू, ये बंदगाने खिरत थे तमाश बीनों में, ये बंद आए अकलो होश देंगे ना अहले फिक्र ख्याल देंगे, तुम्हारी जुल्फों को जो दराजी तुम्हारे आशुफ्ता हाल देंगे। और इस तरह के, और ये शेर खास तौर पर सुनिए, अकलो इश्क की दुनिया अपनी देखी भाली है, अकलो इश्क की दुनिया अपनी देख की भाली है, रास्ता गुजरता है उनके दरमियां अपना। ऐसे ऐसे शेर साहब जो पुरकशिश हैं कि आप इसको पढ़ते जाइए तो हैरानी होती है। तख्लीकी अमल के मामलात बड़े अजीब गरीब होते हैं, तख्लीकार के विजदान में नफ्सियात भी काम करती रहती है। अक्सर बयानात की गुमरही शायरी की रास्ती को इधर उधर कर देती है। अदब व फन बड़े नाजुक अशिया हैं, शायर अपने जहनी और नफ्सियाती अमल में गैर फनकार से बहरहाल मुख्तलिफ होता है। और ये भी कि फनकार का फनी इजहार अक्सर वाजह कम इबहामी और इशाराती ज्यादा होता है। तख्लीकी कैफियत एक ऐसी नज़ाकत या हकीकत होती है जो समाजी हकीकत और हादसाती व तजुर्बाती हकीकत से बहरहाल न सिर्फ मुख्तलिफ बल्कि अक्सर बुलंद वाला होती है। जहाँ रंज व तरफ तसव्वुर तफक्कुर का ऐसा करिश्माती इम्तिजाज होता है कि एक वाहमे किसी कैफियत को पैदा हो जाती है। कुछ लोग इस वाहमे को बेहद अहमियत देते हैं और कुछ सादगी व पुरकारी के कायल होते हैं। अब ये दूसरी बहस है, मैं उसमें उलझना नहीं चाहता, हालांकि बड़ी अच्छी बहस मैंने यहाँ उठाई है, ये पेपर छपेगा। इसी तरह कलीम आजिज के यहाँ गम तो है लेकिन उतना ही है जितना कि एक हसास शायर के कल्ब में होना चाहिए, कि उसी से संजीदगी और बालीदगी पैदा होती, वरना शायरी दाग और दबिस्तान दाग की तरह हंसी ठठोल होकर रह जाएगी। हालांकि मैं उसकी भी अहमियत समझता हूँ। कलीम का गम न तारे कफन है न साजे महन, उनका गम एक समाजी हादसे से जन्म लेता है तो समाज ही उसकी बुनियाद भी बनता है। समाजी अकदार इंसानी मोहब्बत प्यार बदल जाते हैं, ये बदलाव उनकी शायरी का फैलाव है। और फिर शायरी प्यार प्यार मोहब्बत के लामुतनाही वसअतों में फैलती चली जाती है। खुद एक जगह कलीम का बयान देखिए, मोहब्बत और प्यार शेफ्तगी और वारफ्तगी ही मेरी जिंदगी का वाहिद, यही मेरी जिंदगी के सबसे ऊंचा आदर्श हैं, यही फलसफा भी और यही हकीकत भी। एक जगह और लिखते हैं, मैंने इस दुनिया में हर चीज से प्यार किया, अपने घर के लोगों से, अपनी बस्ती से, अपने माहौल से, अपने इर्द गिर्द की हवाओं से, अपनी रवायात से, तहजीब से, जिंदगी की कदरों से, जमीन आसमान। अब देखिए विजन कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है। वो जो शायर कभी ये कहता था कि रोता हूं कि रोने के सिवा काम नहीं है, अब वही शायर अब ये कह रहा है, अदा क्यों करेंगे चंद आंसू दिल का अफसाना, अदा क्यों करेंगे चंद आंसू दिल का अफसाना, बहुत दुश्वार है जीना समझना और समझाना, इस अंजुमन में हम भी अजब वजादार हैं, दिल से लहू लुहान जबी पर शिकन नहीं, जमाने को नींद आ रही है जगाओ कलीम आओ कोई गजल गुनगुनाओ, बची हुई है मोहब्बत की आबरू हमसे, हम इस जमाने में अगले जमाने वाले। क्या जबान है,
ऐ इश्क मिल सकेंगे ना हम जैसे सर फिरे, बरसों चराग लेके समाना अगर फिरे। दर्द मंदे इश्क हैं, गम से न घबराएंगे हम, शायरी करते रहे हैं और मर जाएंगे हम। कभी गुजरे हैं चमन से तो गुलों ने आजिज इस हमीयत से पुकारा है कि जी जाने। गरज के कलीम एक कलाम को दिमाग से नहीं दिल से पढ़ने की जरूरत, तभी इश्क और माशूक के करामात नजर आएंगे। दिल जो इन दोनों भटक गया या भटका दिया गया है, चुनांचे मोहब्बत इंसानियत दर्दमंदी वगैरह भी कहीं रुखसत सी हो गई है। अब ऐसे में मीर गालिब पानी फिराक तो क्या कलीम आज इसकी शायरी और गम गुसारी को समझने वाले कितने रह गए। लेकिन सच यह है कि जमाना कितना ही रुख बदले, बेमुरव्वत बेरहम हो जाए, रंजो गम तो रहेंगे, इश्क मोहब्बत का फितरी जज्बा भी रहेगा। और जब तक ये सब रहेगा शायरी भी रहेगी, खुद कलीम आजिज भी का भी ये दावा है, जहां आप हम रहेंगे वहां दर्द दिल भी होगा, जहां दर्द दिल रहेगा वही शायरी रहेगी। कलीम आजिज की शायरी में तारीकी में रोशनी, सहरा में ठंडी हवा और शहर के बाजारी कल्चर में गुम होते हुए इंसानी अवतार की तलाश भी है। इस दौरे सारफियत में इस नौ की शायरी की जितनी भी कदर की जाए कम है। इसे आज बार बार पढ़ने की और पढ़े जाने की जरूरत है, ताकि बाजार और इश्तिहार के इस बेमुरव्वत सफाक और जख्म खुर्दा माहौल में चंद कतरे शबनम और मरहम के मुयस्सर आ जाए। इसलिए कि गजल ही वो सिर्फ शायरी है जो इंतहाए इस्तराब को इंतहाए सुकून और सबात में बदल देती है, क्योंकि महबूबियत और मोहब्बत ही गजल की जान है और ईमान है। इसीलिए गजल हमारी सरिश में है और अदब की बुनियादी खिश्त भी। कलीम आजिज की एक छोटी बहर की गजल के चंद अशार पर मैं अपनी गुफ्तगु तमाम करता हूँ। चाह का मेयार ऊंचा वो होना चाहिए, जो न चाहें उनको चाहत चाहिए। अब देखिए फिराक ने भी कहा था कि तेरा फिराक तो उस दम तेरा फिराक हुआ जब क्या मैंने प्यार किया उनसे जिनसे प्यार नहीं उनसे प्यार कीजिए। चाह का मेयार ऊंचा होना चाहिए, जो न चाहें उनको चाहत चाहिए। हम तो कुछ चाहे हैं तुम चाहो कुछ, वक्त क्या चाहे है देखा चाहिए। क्या शेर निकाला है देखिए, हम तो कुछ चाहे हैं तुम चाहो हो कुछ, वक्त क्या चाहे है देखा चाहिए। चाहते हैं तेरे ही दामन की खैर, हम भी दीवाने हमें क्या चाहिए। बेरखूबी नाज भी अंदाज भी चाहिए लेकिन ना चाहिए। जबान का लहजा देखिए, गजल का शेर, बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात कहने का सलीका चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह प्रोफेसर साहब ने बहुत तफसील के साथ कलीम आजिज की शायरी का जायजा लिया और उन्होंने बताया कि कलीम आजिज की शायरी को समझने के लिए उनके गम और शऊर गम को समझना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि कलीम आजिज की शायरी एक समाजी हादसे की पैदावार है, इसलिए वो भी समाजी अकदार से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि कलीम आजिज की शायरी आज की गुम होती हुई अखलाकी कदरों की बाजियाफ्त है, तलाश है। तो इस तरह से कलीम आजिज को एक नए जहत से उन्होंने समझने की कोशिश की। आमतौर से लोग ये कहते हैं एक घिसा पिटा जुमला के कलीम आजिज दौर हाजिर के मीर हैं, कलीम आजिज की शायरी शायर गम है। ये इस तरह की बातें से अलग हट के यकीनन प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब ने आज की गुफ्तगू की, जिससे हमें एक नई रोशनी मिली, एक नई जहत का अंदाज़ा हुआ और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मसरूफियत के बावजूद, जैसा कि मुझे मालूम है कि ख़ानदान में कहीं शादी थी और उन्होंने वक्त निकाला, हम उनके शुक्रगुजार हैं, उनके एहसानमंद हैं। अब हमारे अगले मकाला खां जिनको पहले पढ़ना था और हम लोग के दरमियान वो एक निस्बतन जूनियर हैं और हम अपने प्रोग्राम में नई नस्ल के फ़नकारों को कलमकारों को ज़रूर शामिल करते हैं। उर्दू डायरेक्ट चाहती है, उर्दू डायरेक्टेड का ये सोचना है और इसका ख्याल है कि अगर नई नस्ल को हम आगे परवान नहीं चढ़ाएंगे तो कैसे आगे उर्दू बचेगी।
कैसे तनकीदी कदरें बचेंगी, इसलिए हमने खान मोहम्मद रिजवान जो एक नई नस्ल के कलमकार हैं, शायर हैं और काफ़ी तवज्जो के मुस्तहिक हैं नई नस्ल में, शेर व शायरी का शगफ़ है, रसालों अखबारात में इनके बराबर इनके कलाम को पढ़ने का मौका मिलता है और इनका एक तुर्रा इम्तियाज़ ये भी है कि वो तनकीद और तहकीक से भी दिलचस्पी रखते हैं। उनकी कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, सबा कामोश कहानियाँ, असद बदायूनी तनकीद दयार में, कुछ भी नहीं बदला, जदीदियत का मुग़न्नी असद बदायूनी वगैरह काबिल क़द्र काबिल मुताला किताबें हैं। खान मोहम्मद रिजवान ने बहुत सारे तहकीकी तनकीदी मकाले भी लिखे हैं जो मुख्तलिफ़ रसायल और जरायद में शाया होते रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से खान मोहम्मद रिजवान को ख़ासा सरोकार है, वो फिल वक्त ग्लोबल मीडिया पब्लिकेशन में असिस्टेंट मैनेजर के अहदे पर बरसरे कार हैं। अपनी तसनीफी तहकीकी और तनकीदी सलाहियतों और शेर सुखन की वजह से वो बराबर मुशायरों और सेमिनारों में शरीक होते रहे हैं। डॉक्टर कलीम आयिस साहब से भी उनका गहरा तवील रिश्ता रहा है, उनकी शायरी के ज़बरदस्त मद्दा हैं, आज के इस वेबिनार में मकाला खां के हिस्से शरीक हैं। उनके मकाले का उनवान है कलीम आयिस शख्सी अहवाल व आसार। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अपना मकाला पेश करें। खान मोहम्मद रिजवान आपके रूबरू, माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले डायरेक्टर उर्दू जनाब अहमद महमूद साहब, सदर आली वकार जनाब प्रोफेसर अबूजर उस्मानी साहब, नाजिम जलसा डॉक्टर असलम जावेदा साहब, प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब और बड़े भाई प्रोफेसर शहजाद अंजुम साहब, आप तमाम की खिदमत में मैं अपना मुअद्दबाना सलाम अर्ज करता हूँ और उर्दू डायरेक्टरेट का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस अहम इजलास में मुझे मदद किया। मैं तमाम सामईन का जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मैं उन तमाम की खिदमत में अपना सलाम अर्ज करता हूँ और ये अर्ज़ करते हुए कि बेतरतीब मकाले की बेतरतीब तलखीस आपके सामने पेश करता हूँ। हमारे बीच में जो मकाला निगार हैं बहुत अहम हैं और उनकी जो अदबी खिदमात हैं वो भी बहुत अहम हैं, हमारे असातिज़ा हैं, हमारे बड़े भाई हैं। इस मकाले में जाहिर सी बात जगह जगह कमी महसूस होगी और इस तलखीस में भी कमी महसूस होगी, मुझे उम्मीद है कि इसे अपना छोटा समझते हुए इसे माफ़ करेंगे और चंद मिनटों में मैं अपनी मकाले की तलखीस, मेरे मकाले का उनवान है कलीम आजिज के शख्सी अहवाल व आसार। कलीम आजिज के शख्सी अहवाल व आसार को मैंने उनके नसर से भी जोड़ कर देखने की कोशिश की है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि 1920 में बिहार के एक छोटे से गाँव तेलहाड़ा में शेख किफ़ायत हुसैन के घर एक बच्चे की विलादत हुई जिसका नाम मोहम्मद कलीम रखा गया। कलीम आजिज को सारी उम्र अपने पड़ोसियों के हाथों अपने 22 अहले खाना और तकरीबन 800 अहले क़रिया के शहीद कर दिए जाने का गम था, जो गम उनकी ज़ात का हिस्सा बन गया और पूरी उम्र उनका रफीक सफ़र रहा। अल्लाह ताला ने उन्हें शेरी व नसरी ज़ौक़ अता किया था और ज़बान व बयान में वो ताकत बख्शी थी कि अपने गम को शेरी और नसरी पैराए में पेश कर सकें। मज़कूरा सानहा 1946 का है जब पूरे मुल्क में मुसलमानों के खून की होली खेली जा रही थी जिसके जद में सुबह बिहार भी था और ये सुबह खसूसी तौर पर बुरी तरह मुतासिर हुआ। वाक़ पटना के मौजा तेल्हाड़ा सुबह बिहार के ज़िला नालंदा के एक छोटे से मुस्लिम गांव का है जहां सदियों से हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते थे, मगर किसे खबर थी कि आज भाई ही भाई के खून का प्यासा हो जाएगा। मजहब कबीला ज़ात बिरादरी और खानदान बदलने से इंसानियत थोड़े ही मर जाती है, मगर हुआ ऐसा ही कि एक झटके में इस छोटी सी बस्ती को पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे कि इंसानों ने इंसानियत को सांप की कैचली की तरह उतार कर फेंक दिया था, जिसमें कलीम आजिज के खानदान के 22 अफराद को, जिनमें उनकी अम्मा और छोटी बहन भी शामिल थी, और गांव के 800 अफराद को शहीद कर दिया गया। इसी खमीर से कलीम आजिज की शक्ल में ये शरारा 1920 में इसी तेल्हाड़ा से उठा और इस शरारे की रूह को सुकून और राहत 14 फरवरी 2015 को समनपुरा पटना की खाक में सपुर्द खाक होकर मिला। अल्लाह ताला गरीब पे रहमत करे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस बेमिसाल शायर और गमों के खुगर इंसान के अहवाल में और क्या बयान करूं।
मगर जहन व दिल आमादा हैं कुछ और सुनाने पर, इसलिए सुनिए। अगर अहवाल गम सुनकर रोना आए तो हंसीएगा, और अगर हंसना आए तो जेर लब मुस्कुराइएगा, और अगर खुद पर काबू न कर सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर आपको भी कोई कातिल मिल जाए तो बेदरेग उसकी गर्दन मार दीजिएगा, आपको सुकून कल्ब हासिल हो जाएगा। अगर ऐसा ना कर सके तो बख्श दीजिएगा, ऐसा करने से दिल को राहत और कल्ब को सुकून मैसर आ जाएगा, क्योंकि कलीम आजिज़ ने भी अपने कुंबे के कातिलों के साथ यही सलूक रवा रखा था। कलीम आजिज़ की ज़िंदगी दर्द से आशना और गम से मानूस थी, यही वजह थी कि उन्हें पूरी उम्र किसी ने खुलकर हंसते और मुस्कुराते नहीं देखा। आखिर उसकी वजह क्या थी, मगर कोई ये तो बताए कि इतना टूटा हुआ इंसान जिसकी दुनिया उजाड़ दी गई हो, आखिर वो ऐसे नागुफ्तबे हालात में ज़िंदगी को ज़िंदगी समझकर कैसे गुजार सकता है। हाल ये था कि वो जब कभी हंसने और मुस्कुराने का गुमान होता और कभी दिल दबाकर रोते तो महसूस होता कि शायद ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे हैं। आखिर ऐसा महसूस हो भी क्यों ना, जिसकी दुनिया कमसिनी में लुट चुकी हो और गमे दौरा से रिश्ते इस्तवार हो चुके हों, और गम भी ऐसा कि उसे ताक़यामत बुलाया नहीं जा सकता, ऐसा कम सुखन और कम गुफ्तार ही होगा। ये कम सुखनी और कम गुफ्तारी उन्हें विरासत में नहीं मिली थी, बल्कि ये गम हम वतनों का अतिया था। जब उन्होंने होश संभाला तो खाक व खून का खेल देखा और अपनों की दास्तान गम सुनी, आखिर वो जान से गुजर जाने के इस खेल को कैसे भुला सकते थे। यहाँ रुक कर कलीम आजिज़ का ये शेर मुलाहजा करें कि हर दौर में दुश्मन को हमने ये दुआ दी है तूने तो बुराई की जा तेरा भला होगा। और ये शेर भी देखिए कि उम्र भर ठंडी फुहारों में रहे जिसने मेरी आंखों को सावन दिया। मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि इस नो का शेर कहने के लिए कोहना मश्क शायर नहीं बल्कि जिगरे का इंसान चाहिए। कलीम आजिज़ ने सिर्फ गम हयात को ही जिंदगी का हासिल तसव्वुर नहीं किया, बल्कि गम हयात के साथ साथ गम रोजगार को भी गैर मामूली अहमियत दी है। यही वजह है कि उन्होंने जिंदगी की रानाइयों और ताबानियों से भी लुत्फ हासिल किया और जिंदगी को बारौनक, पुरकशिश और एतबार बख्शने के लिए जीने के तमाम वसायल दुनिया को अख्तियार किया। जिंदगी के लम्हात को पुरनूर और इत्रवेज बनाने के लिए वो सारे वसायल यकजा किए जो एक इंसान को होते हैं। ज़िस्त को बामकसद बनाने के लिए इल्म के सिलसिले को जारी रखा, पटना यूनिवर्सिटी से अदबी और बीए और फिर बिहार में उर्दू अदब के इर्तका के मौजू पर 1956 में डॉक्टरेट की आला तालीम हासिल की और पटना यूनिवर्सिटी को शोबे उर्दू में फैकल्टी मेंबर की हैसियत से शामिल हुए और बहैसियत प्रोफेसर वजीफा याब हुए। मैं कुछ कोटेशन छोड़ते हुए आगे बढ़ता हूँ। कलीम आजिज़ से एक दफ़ा अलीगढ़ में मेरी मुलाकात हुई तो अंदाज़ा हुआ कि वो अपने और पराये सब के साथ इस्तेहसान का रवैया रखने वाले, गम गुसार, सबसे टूट कर मिलने वाले और हौसला और सिला रहमी के खूगर इंसान थे। आपकी शख्सियत इस कदर जाजिब और पुरकशिश थी कि एक दफ़ा जो कोई भी आपसे मिल लेता फिर पूरी उम्र नहीं भूलता। आप उस शख्स की आँख की पुतली हो जाते, आप उसके दिल व दिमाग और याददाश्त का हिस्सा बन जाते। जो कोई आपको एक बार सुन लेता फिर पूरी उम्र गुफ्तगू की लज्जत महसूस करता। इसे ही जादुई शख्सियत कहते हैं। उनका हमदर्दाना लहजा और मुस्तफाना रवैया दिल में हमेशा के लिए घर कर लेता। अगर वो शायरी की जबान में बात करते तो फिक्र की ताजगी, असरी हसीयत और लहजे का बागपन दिल को छू लेता, और जब वो नसर की जबान में बात करते तो किसी साहिब तर्ज अदीब का एहसास होता, और जब मैदान तजारत में होते तो ईमानदारी, सदाकत और मामला फहमी की मिसाइल कायम करते, और जब वो राह तबलीग में निकलते तो एक सूफी मनुष्य इंसान जिसके शख्सियत की जाज़बियत और कशिश हर कसो नाकस को अपना गर्विदा बना लेती। कलीम आजिज़ ने अपने माफी ज़मीर की अदायगी का जरिया सिंफ़ नसर में गैर अफसानवी अदब के तीन असनाफ को बनाया। उनमें खुदनविश्त, सवाने निगारी, सफ़रनामे और मकतूब निगारी काबिल ज़िक्र है। उनकी नसर के ताल्लुक़ से डॉक्टर असलम जावेदान लिखते हैं, उनकी नसर में बला की दिलकशी, बेपाया शिद्दत एहसास और गज़ब की असर पजीरी मिलती है। डॉक्टर नसीम अहमद नसीम ने उनकी नसर निगारी का जिक्र करते हुए लिखा है, कलीम आजिज़ को उनकी नसरी तसानीफ के मताले के बगैर पूरे तौर पर नहीं समझा जा सकता। इसी तरह
कलीम आजिज की नसरी तसानीफ की तादाद और शेरी मजमुओं की तादाद 5। उनके शायरी के ताल्लुक से डॉक्टर असलम जावेदा साहब लिखते हैं कि उनकी शायरी जदीद फिक्र की हामिल क्लासिकी शायरी का बेहतरीन नमूना है। नसर में इतनी ग्राकदर खिदमात अंजाम देने के बावजूद न जाने क्यों ये मुझे एहसास होता रहता है कि न जाने क्यों उनकी सिर्फ शायराना हैसियत को ही तस्लीम किया गया, जिसकी वजह से उनकी नसरी तख्लीकात को बहुत कम ज़ेर बहस लाया गया, जिसके नतीजे में उनकी नसरी तख्लीकात अहले इल्म व अदब की नज़रों से उजल रही और सिर्फ एक शायर की हैसियत से पहचाने गए, जबकि उन्होंने शायरी में जिस तरह अपना कर्ब बयान किया उसी तरह उनकी नसर में भी जगह जगह गम अलम की दास्तान शिद्दत एहसास को पढ़ने को मिल जाते हैं। सच तो यह है कि उनका दुख दर्द अपनी ज़ात से बढ़कर पूरी कायनात को अपने हल्के असर में ले लेता है। उनकी नसर की जबान इतनी ही दिलकश और जाजिब और शुस्ता है जितनी शायरी की जबान पुरकशिश और दिलनशी है। उनकी नसर में सादगी, सलासत, रवानी और बरजस्तगी पाई जाती है। कलीम आजिज़ की किताबें पढ़ने से ताल्लुक रखती हैं। जब हम उनकी किताबों की वरकगिरदानी करेंगे तब उनकी नसरी तहरीरों की खूबियों का हमें बखूबी अंदाज़ा होगा कि उन्होंने नसर में भी खूब जौहर दिखाए हैं, बल्कि कुछ जगहों पर तो ऐसा महसूस होता है कि हम कोई अफसाना या नावल का इकतबास पढ़ रहे हैं और कहीं तो पढ़ते वक्त कारी ज़ेर लब मुस्कुराने भी लगता है, जैसे उसके दिल को कोई गुदगुदा रहा हो। उनके जुमलों की चुस्ती बंदिश अल्फाज और फिक्र की शफाफियत मुतहयर कर देती है। नसरी तहरीरों में उनके खतूत भी काबिल रश्क हैं। कलीम आजिज ने खतूत निगारी में भी अपना कमाल दिखाया है। कुछ चीज़ें छोड़ता हूँ उसके बाद, ये फिक्री और इल्मी खतूत नहीं है। उनके खतूत के ताल्लुक से मुख्तसर ये जुमला है कि फिक्री और इल्मी खतूत उनके खतूत फिक्री और इल्मी नहीं है। जिस तरह की हिस्सियत और जाज़बियत उनकी गज़लों और नसरी तहरीरों में हम महसूस करते हैं, उनके खतूत में भी उसका अक्स बहुत हद तक मुनक्किस नज़र आता है। वो अपने खतूत में ज़ाती गुफ्तगू और वारदात कल्बी के बयान के साथ कहीं कहीं मजहबी गुफ्तगू करने लग जाते हैं, मगर इतना ज़रूर है कि ख़त तहरीर करते वक्त अपने मकतूब अले का ख्याल ज़रूर रखते हैं। कहीं कहीं उनकी फ़िक्र का अमल दखल ख़त में इस कदर गहरा हो गया है कि नासिहाना अंदाज़ तखातुब बेदर आ गया है। बावजूद इसके वो कहीं भी मकतूब अले पर अपनी इल्मियत और काबिलियत का रूप जाहिर नहीं करते। वैसे उन्होंने कसदन इस बात से गुरेज किया है कि खतूत में ज़्यादा इल्मी गुफ्तगू हो। वो इस बात के ख़ास ख्याल रखते हैं कि अंदाज़ तखातुब सादा, सलीस, आम फहम और दिलकश हो, तसन्नो और बनावटी बातों से पाक हो, जिसकी मिसाल उनके खतूत में हमें जगह जगह मिल जाते हैं। कलीम आजिज ने अपनी खुदनविश में मुख्तसर खाका निगारी का मुनफरिद तर्ज ईजाद किया है, क्योंकि जिन किरदारों को उन्होंने बरता है वो हकीकत निगारी की खूबसूरत बयानियाँ हैं। वो दास्तान जीस्त को जिस पुरतकल्लुफ अंदाज और रमजो इशारा में हुनरमंदाना तरीके से बयान करते हैं, वो अफसानवी तर्ज इजहार की कहानी मालूम होती है। दिली कैफियात और दाखिली जज्बात व एहसासात का बर्ताव जिंदगी के जबर की दास्तान मालूम होती है। उनकी जबान सादा, सलीस, दिलकश और तंज आमेज बयानियाँ दिल को छू लेता है, जिसे पढ़कर कारी रश्क किए बगैर नहीं रहता। कलीम आजिज का कमाल यह है कि हवादिस जमाना से हासिल शुदा रंज अलम को न सिर्फ शेरी पैराया में बरता है, बल्कि करबजा के अहवाल सुबह मसा को नसरी पैराए में भी बरता है। यही वजह है कि उन्होंने अपनी खुदनविश्त में जज्बे अंदरून का इजहार जाबजा किया है, जिसकी वजह से ज़ाती सरगुजश्त से नावल, अफसाना और नाटक का लुत्फ हासिल होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी और हालात को किरदारों के सहारे और रमज व इशारा के सहारे पेश किया है, जिस तरह एक नावल निगार या अफसाना निगार करता है। मगर सबसे ख़ास बात यह है कि उन्होंने खुदनविश्त को लज्जत आमेज और पुरलुत्फ बनाने के लिए हकीकत बयानी, शिद्दत एहसास और इजहार की नुदरत का खास ख्याल रखा है। यही वजह है कि कहीं भी तसन्नो या खुदसाख्ता कहानी का एहसास नहीं होता, बल्कि बाज जगहों पर हकीकी जिंदगी का अक्स कुछ इस तरह गहरा हो गया है कि कारी पढ़ते वक्त अश्कबार हो जाता है। कलीम आजिज की खूबी ये थी कि वो तकरीर और तहरीर दोनों पर यकसा कुदरत रखते थे। जब वो तकरीर करते तो समा बन जाता, अब जब वो किसी वाक़े का जिक्र करते तो ऐसा महसूस होता जैसे आप वाक़े के चश्मदीद गवाह हों। आप वाक़ा को इस तरह पेश करते जैसे चलती फिरती तस्वीर आंखों में घूम जाती। उन्होंने अपनी नसरी तहरीरों में भी तजस्सुस और सस्पेंस को बरकरार रखा है। कलीम आजिज के सफरनामों में मुशाहदे का गहरा अक्स हमें देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी दास्तान को कलम बंद करते वक्त लाग लपेट और मुबालके से काम बिल्कुल नहीं लिया।
कलीम आजिज ने जब न्यूयॉर्क से हैरिसनबर्ग का सफर किया, सफर के दौरान मनाजिर कुदरत और मनाजिर फितरत की रंगीनी व ताबानी और दिलकशी का इजहार उन्होंने उसी दिलकशी के साथ कलमबंद किया है। कलीम आजिज ने अपने सफर के दौरान मनाजिर कुदरत को जब्त तहरीर में लाकर कुदरत की हक्कानियत का एतराफ़ भी किया है। कलीम आजिज ने सफर अमरीका के दौरान वहाँ के खूबसूरत मनाजिर के साथ वहाँ के बाशिंदों की जिबिल्लत फितरी कमजोरियों के साथ अच्छाइयों का भी एतराफ़ किया है। सच तो यह है कि कलीम आजिज के सफरनामों को पढ़ते वक्त पढ़ने के बाद उनका असल नसरी जौहर आश्कार होता है। उन्होंने मुख्तलिफ नौ हालात को दिलचस्प और मालूमाती रुदाद नसर के दिलकश उसलूब और दिलनशीन पैराए में पेश किए हैं। उनका सफरनामा खास सफर अमेरिका हो या सफर काबा शरीफ, उनमें पेश आने वाले वाकयात तजुर्बात और मुशाहदात को खूबी के साथ एक एक जुजियात का ख्याल रखते हुए तहरीर किया है, जो कि नसर की एक अहम खूबी है। इसको पढ़कर कारी को ऐसा महसूस होता है कि वो रुदाद नहीं बल्कि उसकी अपनी आप बीती है। कहीं कहीं तो उन्होंने शायराना फनकारी के जरिए सफर की रुदाद को रंगीन और दिलकश बनाने और कारी को मुतासर करने की कामयाब कोशिश भी की है, और कहीं अपनी फितरी जबिल्लत का इजहार खूबी के साथ किया है, जबकि उमूमन सफरनामों में इस तरह के वाकयात और बर्ताव पढ़ने को नहीं मिलते हैं, जिससे मुसाफिर की तबई मैलानात और बशरी एहसासात का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। उनका सफरनामा नसरी खूबियों से पुर है। दिलकश, पुरकशिश, आम फहम और सलीस अंदाज में पेश किया गया खूबसूरत वाकया है। कलीम आजिज चूंकि बुनियादी तौर पर शायर हैं, इसलिए कहीं कहीं अंदाज बयान शायराना हो गया है और कहीं कहीं तो शेर नकल करके नसर को मजीद खूबसूरत और पुरकशिश बनाने की सही की है, जिसकी वजह से कारी की दिलचस्पी दोबारा हो गई है। खसूसियत के साथ उनका सफरनामा हज और दिगर सफरनामे और नसरी तहरीरों से मुनफरिद है, क्योंकि सफर हज के वाकयात और मुशाहदात को उन्होंने डूब कर लिखा है। ये सच है कि उन्होंने रुदादे हज जिस खलूस अकीदत और सरशारी की कैफियत से लिखा है वो अपनी मिसाल आप है। ये हमारे मकाले की मुख्तसर तलखीस थी, जिसमें मैंने कोशिश की है कि एक अलग अंदाज कलीम आजिज की शख्सियत को ये कि एक आम सपाट अंदाज से पेश किया जाए या एक रिवायती अंदाज से पेश किया जाए, मैंने उसको एक अफसानवी कहें, दास्तानी कहें, या फिर मेरा एक अलग अंदाज है, उस अंदाज से मैंने पेश करने की कोशिश की है, ताकि उनकी ज़िंदगी इशारे और किनाए के साथ उनकी ज़िंदगी के तमाम अहवाल, उनकी उनकी ज़ाती ज़िंदगी और उन पे जो उनकी ज़िंदगी में जो रंजोलम जो बीते, जो वारदात जो बीते, जो पूरी ज़िंदगी उनके लिए एक बड़ा अलमिया रहा, उसको मैंने मुख्तसर जुमलों में पेश करने की कोशिश की, और ये कोशिश की कि उनकी नसर से निकाल करके उनकी ज़िंदगी के अहवाल को पेश कर सकूँ, कि उनकी उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है वो कितनी पुरकशिश है, उनकी ज़ाती ज़िंदगी हमारे लिए किस तरह से रहनुमा है, और उनकी ज़ाती ज़िंदगी समाज में कैसी थी, लोगों के लिए कैसी थी, और जब वो नसर लिखते हैं तो उनकी नसर में वो चीज़ है या उससे अलग है, तो मैंने उससे मिला करके जोड़ करके निकालने की कोशिश की है कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी ये थी, और नसर में सफ़रनामों में उनके मुख्तलिफ जो सफ़रनामे उसमें और मुख्तलिफ नसरी तख्लीकात में और शायरी में उनकी ज़िंदगी हूबहू वैसी है जैसे वो समाजी उनकी ज़िंदगी थी। मुझे उम्मीद है कि मेरे इन मकाले की इस तलखीस जो बेतरतीब तलखीस है, हमारे जितने भी बुजुर्गान यहाँ मौजूद हैं, प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब एक मुतबर नाम एक बड़ा नाम है, और प्रोफेसर शहजाद अंजुम साहब एक बड़ा नाम है, और फिर हमारे प्रोफेसर अबूजर उस्मानी साहब, ये लोग हमारी गलतियों को हमारे खामियों को नज़रअंदाज करते हुए किसे काबिल समझेंगे और मेरी तरबियत का वो सामान फराहम करेंगे, जिससे मुझे खुशी होगी। मुझे उम्मीद है कि डायरेक्टरेट ने मुझे यह मौका दिया, गालबन मैं उसका हक अदा कर सका। इसी के साथ मैं डायरेक्टरेट का और शुक्रिया अदा करता हूँ। बेहद शुक्रिया, जज़ाकुल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर रिजवान अहमद रिजवान साहब, खान मोहम्मद रिजवान साहब, आपने आपके मकाले का अनवान था कलीम आजिज के शख्सी अहवाल आसार। आप शख्सी अहवाल आसार के साथ आपने उनकी शायरी और उनकी नसर पर तबसरा किया। शख्सी अहवाल में आपने बताया कि कलीम आजिज एक शायर थे, शायर के अलावा एक उस्ताद थे, लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे, और एक ताजिर भी थे और एक मबल्लिग भी थे। ये चार जहतें आपने बताई कि उनकी ज़िंदगी की शख्सियत में चार जहतें समाई हुई थी और हर जहत में वो कामयाब थे, सुरखुर्द थे, सरबलंद थे। आपने इस बात का भी शिकवा किया कि कलीम आजिज जितने अच्छे शायर हैं वे इतने अच्छे नसर निगार भी हैं,
लेकिन नसल निगार की हैसियत से उन्हें वो मकाम नहीं दिया गया, या उनका एहतसाब नहीं किया गया, या साहिब नकद नज़र ने उनको इस अंदाज से नहीं परखा। बिलाशुब क्लीमाइज की नसल में जैसी दिलकशी है, जैसी जाज़बियत है, जैसा दास्तानी तहयुर है, जैसा अफसानवी दिलचस्पी है, और कैसी कहीं कहीं पर ड्रामाई कैफियत है, वो यकीनन उनको एक इनफरादी शान और मुमताज़ नसल निगार की सफ़ में ला खड़ा करती है। उम्मीद है कि अहले नकद नज़र इस पर अपनी अपना तबसरा ज़रूर शाया करेंगे, ज़रूर लिखेंगे, अपने क्लीमाइज को एक नसल निगार की हैसियत से भी जांचेंगे, पढ़ेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि क्लीमाइज की बेहतरीन नसल, वो जो शायरी का सबब हुआ में जो सौ और आँख हैं जिसमें उनकी आबिती है, वो इतनी खूबसूरत नसल है, इतनी दिलपजीर है, इतनी दिलकश है, इतनी ड्रामाई है, और इस तरह शायराना रंग में रंगी हुई है, और उसके अंदर जो कैफियत साजी है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी साहिब दिल इंसान उसको बगैर आबदीदा हुए शुरू से आखिर तक नहीं पढ़ सकता है। यही है उस नसल का कमाल। अब हमारे मौजूद मकाला खां हैं प्रोफेसर शहजाद अंजुम साहब। प्रोफेसर शहजाद अंजुम साहब का नाम बहुत ही मारूफ है, मुस्तनद है, मोतबर है। आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबे उर्दू में सदर की हैसियत से तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। दौर हाजिर के तनकीद निगारों में आपका नाम भी बड़े एतमाद के साथ लिया जाता है। प्रोफेसर शहजाद अंजुम साहब ने अदीब, मुहक्किक और नाक़िद की हैसियत से अपनी एक शनाख्त हासिल की है। उनकी तकरीबन दो दर्जन अदबी, तहकीकी और तनकीदी किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें अहदसास शख्सियत, सर सैद अहमद खां, रविंद्र नाथ टैगोर फिक्र और फन, रविंद्रनाथ टैगोर शायर और दानिश्वर, ऐसी मालूमाती तसानीफ हैं, तालीफात हैं, जो सर सैद अहमद खां और रविंद्र नाथ टैगोर की हमाजहत शख्सियत और फन का मुकम्मल अहाता करती हैं। इनके अलावा एहतशाम हुसैन की तख्लीकी निगारशात एक मतला, तनकीदी जिहाद वगैरह उनकी बेहतरीन तख्लीकात हैं। शहजाद अंजुम साहब ने अदबी इल्मी शख्सियतों पर कई मोनोग्राफ लिखे हैं, कई फर्दनामे लिखे हैं, जिनमें मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, सैयद मोहम्मद हसनैन, सैयद एहतशाम हुसैन, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, कलाम हैदरी, कुमार पाशी के मोनोग्राफ हैं। शहजाद अंजुम साहब उर्दू कॉन्फ्रेंसों और सेमिनारों में भी अपनी कामयाब शिरकत दर्ज करते आ रहे हैं। आज के इस सेमिनार में वो मौजूद मकाला खां की हैसियत से शामिल है। मैं उनसे गुजारिश बलब हूँ कि वो अपना मकाला जो कलीम आजिज की नसल निगारी से मुतालिक है पेश करने की जहमत फरमाएं। प्रोफेसर शहजाद अंजुम साहब आपके रूबरू। माइक नहीं ऑन है, माइक ऑन कर ले शहजाद भाई। बहुत शुक्रिया नवाजिश सदर जलसा प्रोफेसर अब्दुल उस्मानी साहब, उर्दू बैंक के हुकूमत बिहार के डायरेक्टर जनाब अहमद महमूद साहब, मुमताज अजीब और मेरे करम फरमा असलम जावदा साहब, मायल नाज नफाद प्रोफेसर अली अहमद फासमी साहब, मेरे मुफलिस दोस्त और जमा साल शायर डॉक्टर खान मोहम्मद रिजवान साहब और तमाम शुरकाए सिन्हा। मेरी बड़ी खुशबख्ती है कि आज मुझे उर्दू बैकेट के इस वेबिनार में शिरकत का मौका मिला। मेरे मकाले का मौजू कलमाजिस की रस्मारी है। उनका पीछे जहाँ खुशबू ही खुशबू थी और अभी सुन लो मुझसे की रोशनी में। असलम जावदा साहब से मैं गुजारिश करूंगा, मैं देख रहा हूँ कि वक्त की कुछ किल्लत है, दो मिनट पहले मुझे बता देंगे ताकि मैं अपने मकाले का सफर 15 मिनट। ठीक है, बिल्कुल। कलीमाचिस की शायराना हैसियत मुसल्लक है, वो बहसियत गजलगो आलमी सतह पर मशहूर मारूफ है। उन्होंने शायरी में जो नए नवाजी थी और जैसी आवला पाई थी वो दास्तान रकम थी, वो हमारी शेरी सरमाए के रोशन बात है। मुनफरिद लबो लहजा, एहसास जज्बात की निजाबत तो तकद्दस, बयान की सादगी उनकी गजलों की नुमाया खसूसियात है। कलीमाचिस की शोहरत अजमत उनकी गजलों की वजह से ही है। यही वजह है मौक्कर और मौजूद नाकदीन अदब ने उन्हें बहस शायर ही देखा और परखा है।
और उनके शुक्र फंड के बारे में अपनी ग्राहकदर राय दी है। मिसाल के तौर पर फराग गोरखपुरी, कलीमुद्दीन अहमद, जमील मजहरी, कन्हैया लाल कपूर वगैरह का नाम बतौर खास लिया जा सकता है। बहरहाल कलीमाजी सिर्फ शायर ही नहीं बल्कि एक ऐसे रस्म निगार हैं जिनकी अपनी तर्ज है, अपना उसलूब है। उनकी नसरी निगार शाद में आपीती, सफरनामे, मकतूबात और तनकीदी तहफ़ के मजामी शामिल है। इसके साथ साथ उन्होंने बुजुर्गों, अदीबों और शायरों के खाते भी तहरीर किए जो फन खाका निगारी के अतबार से बड़े वकी हैं। बज़ाहिर बल्कि करीम आजीज की शायरी रवायत के पासदार नजर आती है। रवायत की वो सर चश्मा है उनकी शायरी की आबियाबी करता है। करीम आजीज की शायरी रवायत की जानत मुखलिफ और सरासर नकल नहीं, एक खल्लाक और फिक्र रसा रखने वाला शायर जो अपने कलाम को रवायत और मासर से हम आहंग करता है, उसका कलाम मासर शेरी मंजरनामे पर बहस को मुतवज्जो करता है और यही उसकी असल कुव्वत होती है। करीम आजीज को हुस्न मलाल से एक खास रिश्ता है जो उनकी शायरी में जा बजा नजर आता है। यही वजह है कि बेशतर नाकदीन ने उनकी शायरी को दर्द गम की शायरी करार दिया है और इसी वक्त की बिना पर करीम आजीज को मीर के लब लहजे का शायर करार दिया है। हर ये बात एक बातलब अमर है, यहाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि मीर की शायरी को जमाने तक दर्द गम और हुस्न मलाल की शायरी समझा गया है। वक्त के कारखाने में ये बात बहुत गूंजी और बड़े बड़े शेर फाम और बायनाज नकदी ने भी मीर की शायरी को गमंदोर का दफ्तर जाना। यही वजह है कि खुद करीम आजीज ने भी अपनी शायरी को मीर की शायरी के करीब समझा और उस पर नाज किया। करीम आजीज मीर की शायरी को अपने अहद का आशोक समझते थे। माइक थोड़ा अलग कर ले था, आवाज यही वजह है कि खुद करीम आजीज ने भी अपनी शायरी को मीर की शायरी के करीब समझा और उस पर नाज किया। करीम आजीज मीर की शायरी को अपने अहद का आशोक समझते थे, खुद भी का आशोक और उसी से तहरीक पाकर अपनी शायरी को आवाज देते थे। करीम आजीज अपनी शायरी को अलमिया समझने के साथ साथ बांसुरी भी करते थे और उससे शाख गुल का काम भी लेते थे। इस बारे में लिखते हैं, वक्त की दिख भरी आवाज को जाहिर करने के लिए शायरी मुझे इस्तेमाल करती है। मैं उसके बस में चला जाता हूँ और वो मेरे दिल को तोड़ मरोड़ कर निचोड़ कर वक्त की आवाज में मेरा लघु शामिल करके उसे रंगीन बना देती है। इतना काम शायरी करती है, उसके बाद मेरी बात जाती है। ये दोनों हट गए। मैं शायरी को इस्तेमाल करता हूँ, अपनी तलवार बनाता हूँ और हमला करता हूँ। कभी मैं उसे शाख गुल बना देता हूँ, उससे भी काम तलवार ही कर लेना चाहता हूँ। उसका जख्म पहले नजर नहीं आता। कभी मैं शायरी को अपनी बांसुरी बनाता हूँ ताकि अपना दर्द आम करूँ, आलम को इस दर्द से आमाहम करूँ, उसको लज्जत से आसना रखूँ और फिर इस दर्द का तलबगार हूँ। करीम आजीज की विलादत 1920 में मुंताबाई गांव किल्हाड़ा में हुई, जो नालंदा जिला का छोटा सा गांव। इस गांव की अहमियत ये भी है कि जमाने कदीम में उस गांव को बुद्ध राहिबों ने बसाया था। 1920 का साल हिंदुस्तान की तारीख और जद्दोजहद आजादी में एक खास अहमियत रखता है। यहाँ इसका मौका नहीं 1920 के तारीखी हवाली से वाकयात पर मुफस्सल मुजमल रोशनी डाली जाए। अलबत्ता मेरे नजदीक 1920 की दीगर अहमियतों के साथ साथ करीम आजीज का साल पैदाइश होना भी इसके वक्त में इजाफा करता है। सन पैदाइश के मुताबिक ये बात भी अर्ज करता चलूँ कि उनके शीर मदीने में ऐसा नजारा नहीं होगा। मिसाल वलादत 11 अक्टूबर 1924 दर्ज है और वो शायरी का सबब हुआ। करीम आजीज लिखते हैं कि वालदा की लिखवाई हुई याददाश्त के मुताबिक उनकी पैदाइश 11 अक्टूबर 1926 है। बहरहाल ये तरफ अमर है, वाकई ये मेरे मतम नजर नहीं। दुख सुख की छोर करीम आजीज की जिंदगी चलती रही। बड़े भाई और छोटे भाई बीमारी के सबब अल्लाह के प्यारे हो गए, बड़ी बहन भी चल बसी, वालिद का भी इंतकाल हो गया। रहे सह लो माँ वालदा 1946 के फसाद में जाम शहादत से मशहूर हो गए। तमाम हादसा तय दर पे यके बाद दीगर गुलमा होते रहे। जहाँ खुशबू थी मुताल से अंदाजा होता है कि गालिबन 4 या 5 नवंबर यौम अरफा या यौम नहर 1946 को यह हादसा जानकाह रुनमा हुआ, जब उनकी वालदा और खानदान के दूसरे लोग अपने आबाई गांव किल्हाड़ा में कत्ल कर दिए। क्या इस गमंदोह को लफ्ज़ों में बयान किया जा सकता है? इस एजाज पर फख्र किया जाए, करीम आजीज अपने गांव के 800-900 शहीदों की
कि अपने खानदान के बाइस शहीदों की याददार थे या इस इजाज़ का अंगुश बंद ना हो, इन सब के बावजूद हलीमा आजिज़ ने तवील उम्र पाई और इंसानों की जिंदगी बसर की, न कोई झुंझलाहट, न कोई कीना, न कोई नफरत, सब शुभ का दामन हाथ से जाने न दिया, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। जिंदगी उसरत और इशरत की छाव में गुजरती रही, लेकिन हलीमा आजिज़ ने कभी अदब की तकलीफ से मुंह ना मोड़ा, कभी थक करना बैठे और न कभी मियाद से समझौता किया। इतराफ करते हुए 1989 में हुकूमत हिंद ने पद्मश्री के एजाज से भी नवाजा। को करीम आजिज वासिल बहक हुए, वफात हजारीबाग झारखंड में हुई, नमाज जनाजा पटना के काजी मैदान में हुई, इसमें फिलकत की जिम्मे वकीत ने शिरकत की और मस पर हवाई और त्योहार में करार में भी उनका सलूक मुनफरिद है। ज्ञान की सादगी, बरजस्तगी और वजाहत उनकी नस्ल का खास वस्फ है। तसन्नु उनके यहाँ नाम को भी नहीं है, वो कोई मजमून तकल्लुफ से नहीं लेते, पेचीदगी का उनके यहाँ गुजर नहीं, सीधे सादे जुमले, सीधे सादे अंदाज में रकम करते हैं, म्यारी लबो लहजा और मुस्तनद ज़बान और बयान के खातिर मलहूज रखते हैं। हलीमा आजिज़ का मुताला बहुत वसी था, उनकी तन्नस निगारशात के नाम मुलाजा हूँ, जहाँ खुशबू ही खुशबू थी, आप भी थी, अभी सुन लूँ मुझे आप भी थी, यहाँ से काबा, काबा से मदीना, सफरनामा दीवाने तो मकतूबात, सालों ने दुखेगा पांजियों के नाम फतूत, मजलिस अदब शेरी नशस्तों की गुजार, मेरी जबान मेरा कलम, मजामीन का मजमुआ दो जल्दें, एक देश एक विदेशी, अमेरिका का सफरनामा, दफ्तर गुलदस्ता, ये जी का मकाला। इसके अलावा शेरी मजमू और मकातीब वगैरह के मुकदमा दिबाचे भी उनके नस्ल नमूनों के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। अपने नस्ल के मदायब कई माजी लिखते हैं, और मजमून अपनी जबान लिखता था, इसलिए कि शेर के लिए मजमून मुझे अपना नहीं मिलता था, नस्ल के लिए अपनी बात अपना मौजूद मिल जाता था, ताकि इनकलाब आ गया और शेर के लिए भी अपना मजमून मिल गया या अपने मजमून के खजाने का दरवाजा खुल गया, तो फिर शायरी के लिए भी अपनी जबान काम आ गई। जहां खुशबू खुशबू थी दर्जबान अख्तबास में देखा जाए, एक तरह से हलीमा आजिज़ ने अपनी नस्ल को अपनी शायरी पर फौकियत दी है, इस लिहाज से जबाना उन्हें महशायर और रवायत का मीन शायर कहता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। हलीमा आजिज़ की शनासी उनके कारी को उनकी नस्ल की तरफ जरूर मुतवज्जो करती है और इस बात पर मायल करती है वो कौन सा उनसूर है जिसके बिना पर हलीमा आजिज़ आलम में मशहूर अपनी शायरी पर अपनी नस्ल को फौकियत दे रहे हैं। वो नस्ल जो खास अवाम के तकिए के नीचे दबी कदर नशनासी का शिकार है, यही वजह है उनकी नस्ल निगारी के मुताले का जवाब भी है। सरदस उनके दो नस्ल किताबों से सरोकार है, दोनों ही किताबें उनके आपबीती से ताल्लुक रखती हैं। जैसा कि कहा गया है कि हलीमा आजिज़ की नस्ल में तसन्नु और तकल्लुफ को कोई दखल नहीं, लिहाजा उनके दोनों खुद रिश्तों में भी यही उनसुर नुमाया है। मालूम होता है कोई किस्सा गो बयान के जादू से अपने सामईन को बांधे हुए है। हलीमा आजिज़ खारी की रजत जसूस को भड़काते रहते हैं और दरमियान में ही असल किस्सा रोक कर जहन के पर्दे पर उभरने वाली तो दूसरी बात शुरू कर देते हैं और फिर चौंक कर वाक़े को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ रोका था। तहरीर में नींद गुलमुर्दी की कैफियत एक अजीब गरीब अलमिया फजा पैदा कर देती है। दिलचस्प बात तो यह है इस अंदाज बयान से इंतशार की कैफियत जरूर पैदा होती है लेकिन उकताहट नहीं होती। ऐसा मालूम होता है कि गोया एक दास्तान गो की तरह हलीमा आजिज़ भी अपनी शायरी अपने कारी के तासुरात से वाकिफ है और उन्हें इल्म है कि कारी की वजह से जसूर किस नाम या किस लफ्ज़ से फर्क उठती है और दास्तान का रुख अब किस तरफ मोड़ना चाहिए। हलीमा आजिज़ से अपने खुद नविश जहाँ खुशबू खुशबू थी बालागुल 1981 अपना महज अपना और अपने अतराफ और अनाफा हाल नहीं बयान किया बल्कि इस किताब का आगाज ही ऐसी बातों से होता है जिनसे उनके शेरी और अदबी मसलक का अंदाजा होता है, उनकी फनी उनके फनी सरोकारों का इल्म होता है। हलीमा आजिज़ शायरी में शायरी और अदब में बरहन गुफ्तारी के कायल नहीं, वो अदब में वजाहत और इबहाम की मुनासिब आमेजिश को अहमियत देते हैं। कही हुई बातों के अंधेरे में अनकही बातों को टटोलना ऐसे ही है इस समुद्र के जुलमात में सीख की तलाश। शायरी और अदब में कही बेकही वजाहत और इबहाम के ताल्लुक को खुद लिखते हैं
कोट शायरी और अदब तो कुछ कही हुई कुछ बेकही हुई बात है, कुछ धूप है कुछ छांव है, कुछ उजाला है कुछ अंधेरा है, कुछ वजाहत है कुछ इबहाम है। अदब में जोड़ घटाओ और जरब तकसीम के कायल नहीं, तो शायरी में दो और दो चार के बजाय दो और दो पांच के मकान को ज्यादा अहमियत हम जानते हैं। इसलिए उन्होंने हाल ही के शेर नजरियात की भी गिरफ्त की है। उनका मानना है कि हाल ही में शायरी की जो तनकीद की उसका इतलाक खुद अपनी शायरी पर नहीं किया, वो हाल ही की अजमत के कायल है, लेकिन उनकी इस तरगीब की तरजीज करते हैं कि चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। तो करीम आजिज के नजदीक अदब मुखालिफ समतों में बहने का नाम है, हवा के मुखालिफ चलना और इसी में जिंदगी के नशो फराज के साथ मजबूत इतलाक करीम आजिज के नजदीक अदब का काम है। मुखालिफ बहते हुए जद्दोजहद करना, इस जद्दोजहद की जिंदगी का असर जोर समझना उसकी अलामत है, आस की अलामत है। या उस वक्त तक सलामत है जब तक अदीब थक कर अपना कलम रोक नहीं देता, जिंदगी के उतार चढ़ाव से थक कर या मुबतला होकर अपने कलम को रोक देना करीम आजिज के अदबी मसलक में जाहिर है। इस बारे में करीम आजिज का कहना है कि हाल ही ने मुसद्दस लिखी, बहुत बड़ा काम किया, वो बहुत अजीम काम किया, लेकिन चोरी चुपके से एक बात कही तो चलो तुम घर को हवा हो जिधर की। और हम आप सब जानते हैं कि बात चोरी छुपे कही जाती है, चोरी छुपे की जाती है, वो ज्यादा फैलती है। अकबर का मजमून नहीं फैला और दासन का जूता चल गया। इस तरह हाल ही की नज्म मुसद्दस नहीं फैली लेकिन हाल ही का मसला फैल गया और दुनिया उधर चलने लगी जिधर की हवा चल रही थी। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल था, न हो सका। हाल ही वाला आसान काम आसान था, सब करने लगे। अदब भी हाल ही की पैरवी करने लगे, शायरी भी हाल ही की तनकीद करने लगी। गर्चे हाल ही ने खुद शायरी को हवा के रुख पर नहीं चढ़ाया, हवा से मुखालिफ ही सफर किया, मगर अदब ने हाल ही की तनकीद की बात चल पड़ी, मुकदमा शेर शायरी चल गया। वही जोड़ घटाओ जरब तकसीम वाली बात, मुझे कभी मायूसी नहीं, इसी उम्मीद पर मेरा कलम चला है चलता है, जब तक जिंदा हूँ चलाऊंगा। मैं अकबर की तरह ये कभी नहीं कहूंगा कि मगर वो कब तक और उनकी रुबाइयां कब तक है। इसीलिए अकबर शायद अच्छा, इसीलिए अकबर अब ठीक है, इसीलिए अकबर शायद आखिरी उम्र में हाथ मोड़कर और कलम तोड़कर बैठ गए। ये अलामत यास है और मायूसी जहर है, मेरा इरादा ये जहर खाने का नहीं है और इंशाल्लाह कभी नहीं खाऊंगा। अनकोट अपने अदबी मनहज का इजहार करने के बाद करीम आजिज कारी को मुखातिब करके किताब के मवाद पर गुफ्तगु करते हुए कहते हैं, कोट आप पढ़ेंगे तो देखेंगे इस किताब में तोता महीना वाली बात, सरबार और गुजार नसीम वाली बात, सिर्फ रोशनियों के शहर वाली धोखे की बात, लफाफा करते हुए अंधेरे देहातों के प्रबंधन वाली बात नहीं, ये हमारी और आपकी बात हो, हमारी आपकी देखी हुई सुनी हुई बात, इस सतह और दर्जे की बात, हर सतह और हर दर्जे वालों की जानी हुई समझी हुई लेकिन ठुकराई हुई फेंकी हुई जान बुझ कर दूर की हुई बात है। जैसा कि करीम आजिज ने कहा, इस किताब में हमारी और आपकी बात है, हमारी और आपकी देखी सुनी बात है, ऐसी देखी और सुनी हुई बात जो हर दर्जा यानी अमीर गरीब आई अनपढ़ सब की बात हो, लेकिन सभी के जरिए भुला दी गई और ठुकरा दी गई बात, ऐसी बातें इस किताब में जा बचा लिखी हुई है। कदम कदम पर इन बातों से सामना होता है, ऐसा महसूस होता है कि गोया ये हमारी बात है, ये अल्फाज और कलम करीम आजिज पे है, लेकिन जरा तवक्कुफ कीजिए, ये कलम उंगलियां ये दिल किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ करीम आजिज का है। हम में से कितने ही ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी में गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ पर कितनी बकवार भाई और अशफाक साहब मिले होंगे, लेकिन आज अगर हम अपने हाफिज़े पर जोर डालें तो मुश्किल ही से उनके नाम याद आएंगे, मगर ये करीम आजिज का हसास दिल है जो हाफिज़े की कमजोरी के बावजूद अपने आगही से वफार भाई और अशफाक साहब को फरामोश नहीं कर सका। उस एक एक जुजियात को जहन के नहा खाने से खंगाल खंगाल कर सक्र प्रस्ताव को उंगेलता जाता है। बज़ाहिर तो ये मामूली लोग हैं, जरा गौर कीजिए तो ये वो लोग हैं जिनको अजीबगर अदीबों का मुरब्बी कहा जा सकता है, नफा नुकसान से बेगान अखबार भाई और शाह साहब जैसे लोगों ने कितने अजीबों को सैराब किया है। एक तबास मुलाजा हो मियाँ ले जाओ, अभी आलमगीर का खास नंबर आया है, नहीं गफ्फार भाई
अभी पास में पैसे नहीं। अरे मियाँ पैसा बाद में दे दोगे। नहीं गफार भाई, आपके पैसे पहले के भी बाकी हैं, मियाँ रहने दो और जब होंगे दे दीजिए। नहीं गफार भाई, आपको पैसे की जरूरत है, अब नफ दे दीजिएगा। मियाँ इधर से हैं, मैं जानता हूँ अब्बा तुम पर सख्ती करते हैं, किताबों और रिसालों के लिए पैसे नहीं देते, तुम रिसाले मुझसे ले जाया करो, पाकर वापस कर दिया करो, मैं दूसरों के हाथ नफ बेच दूंगा। अंधेरों से मुताबिक कहानी प्रोपेगेंडा करते हैं, उनकी इस बात से अख्तलाफ हो इत्तफाक की गुंजाइश है, ये अपने अपने नुक्ते नजर की बात है। हमारे यहाँ जहाज को मौजूद बनाकर जिस तरह तारीख और काबिल रहम बनाकर पेश किया गया है, वो सरासर मादी नुक्ते नजर का शाखसाना है। ये वजह है जहाजी की तारीखी की दास्तान खलूस और हमदर्दी ज्यादा प्रोपेगेंडा मालूम होती है, और इस हद तक मुझे फिल्म आजिज के लफ्जों से इत्तफाक है। मेरा ख्याल है कि वक्त काफी हो रहा है, जी जी जी, आखिरी सफर देता हूँ, थोड़ा सा मुतजावज़ हो गए, बस मैं आखिरी सफर पढ़ देता हूँ, आखिरी सफर ही पढ़ देता हूँ ताकि जी जी। दोनों फिल्म रिश्तों में कलीम आजिज का ये उमूमी अंदाज है, जब जो बात जहाँ याद आती आई वही रकम करती, दरमियान में कोई और बात और किस्सा याद आया तो बात रोक कर उसे शुरू कर दिया। कोई प्लान, कोई मनसूबा या कोई खाका नहीं, मसलहतों को ताक पर सजा कर ये नहीं सोचा इसके बारे में क्या लिखूं और कैसे लिखूं। इस इंतजार बेतरतीबी का एहसास खुद फिल्म आजिज को भी था, लेकिन यही इंतजार बेतरतीबी ही उनका मनसूबा उनका खाका है। वो लिखते हैं, इक्तबास सुन लो मुझसे है, वो बोले नहीं भाई एक प्लान बना लो, खाका दुरुस्त कर लो। मैंने कहा 40-45 साल होश संभाले हो गए, आज तक नहीं जाना, प्लान किसे कहते हैं, खाका किस चीज का नाम है। सुबह हुई तो शाम तक का खाका नहीं जाना, शाम हुई तो रात कैसे गुजरेगी नहीं समझा, जो कुछ गुजर चुकी है वो खाके और प्लान के मुताबिक कहाँ गुजरी। ऐसा होता तो गजल कैसे होती, ऐसा होता तो क्या क्या खुशबू ही खुशबू थी, वो होती जो है और अभी सुन लो मुझसे, वो होगी शायद होने वाली है। चौखटा बना नहीं तो तस्वीर बन गई, खाका तैयार हुआ नहीं तो उसने रुखसत हो गया। खाके और प्लान के मुताबिक जब जिंदगी नहीं गुजरती तो भला अब कैसे गुजरेगा। गोया कलीम आजिज की नसर कलीम आजिज की जिंदगी है, कलीम आजिज का जाव नजर उनकी फिक्र और हुस्न मलाल जिनसे उनके फन को अक्सर और बेशतर सरोकार रखता है, उनकी नसर को मुनजम करते हैं, बचत रखते हैं और यादों की मुंतशिर कड़ियों और बेरक्त वगैरह मरसूबा बंद जिंदगी को एक नज्म में ढालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दो मिनट और लूंगा, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि कलीम आजिज की इतनी बड़ी शख्सियत है, इससे सिर्फ एक वेबिनार और तीन मकाले से बात मुकम्मल नहीं होती है, और ये सिर्फ बिहार के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के अहम तरीन और बड़े शायर थे, उन पर एक मुकम्मल सेमिनार की जरूरत है, और इस पर बहुत कुछ लिखा गया है लेकिन अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है। मैं एक बार फिर उर्दू डायरेक्टरेट के तमाम अरबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बेशक कलीम आजिज की शख्सियत इतनी अधीम शान और रफील कदर है कि उन पर एक नहीं दो रोज़ा सेमिनार, तीन रोज़ा सेमिनार भी कराया जाए तो कम है, और दूर डायरेक्टेट इस बात का अहल भी है और मतमनी भी है कि ऐसा दिन आए और हम लोग उन पर वकी और दो रोज़ा तीन रोज़ा सेमिनार मुनक़द कराएँ। शहजाद अंजुम साहब ने एक सवाल उठाया कि कलीम आजिज साहब की तारीख पैदाइश दो है, एक 11 अक्टूबर 1924 और दूसरा है 11 अक्टूबर 1926। तो मैं आपको बता दूं कि कलीम आजिज साहब की हकीकी तारीख पैदाइश 11 अक्टूबर 1926 ही है। जब वो 1939 में पटना मुस्लिम हाई स्कूल में दाखिले लेने आए तो चूंकि उन्होंने प्राइवेट पढ़ा था इसलिए उनका एज कम था, उम्र कम था, तो इसलिए उसको बढ़ा करके 24 किया गया। तो कलीम आजिज साहब ने मुझे बताया कि मेरा जो तालीमी जो तारीख पैदाइश है वो 2 साल बढ़ा करके है, और हकीकी तारीख पैदाइश 11 अक्टूबर 1926 ही है। दूसरी बात कि आपने नस्लगारी के ताल्लुक से बड़ी खूबसूरत अच्छी बातें कहीं, बड़ी वाकई बातें कहीं, ये सच है कि बाज़ नाकदीन कहते हैं कि मैंने एक अजीम शान शायर तस्लीम करूँ या एक बड़ा नस्ल निगार, मैं फैसला नहीं कर पाता हूँ,
वाकई उनकी नसर निगारी इम्तियाज़ अशरफ़ी की हामिल है, उन पर आपने बहुत खूब तबसरा किया और भी तबसरा किए जाने की और भी लिखे जाने की और भी उसकी तहकीक की। यह सच है कि उनकी जो नसर है वो पुरानी अखलाकी कदरों, इंसानी कदरों, तहजीबी कदरों की बाजियाफ़ की कोशिश है। वो चाहते हैं कि फिर से वही पुराना ज़माना, वही सादगी का ज़माना, वही मोहब्बत का ज़माना लौट आए। पूरी नसर को पढ़ने से ये मजमू तासर कायम होता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही तफसीली और बहुत ही वकी नसर निगारी पर मजबूर पढ़ा। अब जो हमारे मेहमान में हैं, मोज़्ज़ज़ मेहमान और आज की महफिल के मोज़्ज़ज़ मुक़र्रर सदर प्रोफेसर अबू ज़र उस्मानी साहब, आपकी शख्सियत झारखंड की सरजमीन पर बहुत ही मुतहरिक, फ़ाल और मारूफ है। आपने झारखंड में उर्दू को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिलाने में एक अहम रोल अदा किया और आज तक वो इस पर सरगर्म और मुतहरिक फ़ाल है। जब झारखंड की तकसीम हुई तो उस वक्त वहाँ दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा ख़त्म कर दिया गया था, आपने उस सिलसिले में बेहद कोशिश की, अंधक कोशिश की और आखिर में उस दर्जे को बहाल कराया। लायक मुबारकबाद है। आप रांची यूनिवर्सिटी के सदर शोभा थे और वहाँ से रिटायर हो गए, सुरखरू सुबुकदोश हुए। उर्दू ज़ुबान अदब के हवाले से आपका नाम नामी, ज़बान और अदब दोनों के हवाले से आपका नाम नामी इस प्रोग्रामी बहुत ही मोहतरम है, काबिल लिहाज है। अंजुमन तरक्की उर्दू के शुरू में नायब सदर और ज़माने से सदर के अहदे पर आप फायज़ हैं और कामयाब क़यादत कर रहे हैं। झारखंड में आज जो कुछ भी उर्दू नज़र आ रही है वो हमारे प्रोफेसर अब्दुल मगनी साहब की कोशिशों और गुलाम सरवर की कोशिशों के साथ साथ हमारे प्रोफेसर अबू ज़र उस्मानी साहब का बहुत अहम और बुनियादी कलीदी रोल रहा है और उसमें आज तक सरगर्म है। लेकिन एक बड़ा काम इनका यह है कि रांची के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कॉलेजों में ऑनर्स की पढ़ाई नहीं होती और उन्होंने कई कॉलेजों में ऑनर्स की पढ़ाई शुरू की। ये भी एक बड़ा काम है, इनका बड़ा कारनामा है, बेशबहा खिदमत है। उनके कई अदबी तनकीदी और तहकीकी किताबें हमारी नज़र से गुजरी हैं, मुंतखब मज़ामीन, फनकार से फन तक, सालीब नसर, जदीद अदबी और तनकीदी नज़रियात वगैरह आपकी काबिल मुताला और दानिशवराना तो अदबी तख्लीक हैं। इसके अलावा तहरीक के हवाले से भी कई किताबें हैं, झारखंड छोड़ा नागपुर में तहरीकी कशमकश या इस तरह के मुसलमान से किताब लिखी है। कलीमाई साहब के बड़े कदरदान हैं, बड़े करीबी रहे हैं, उनसे उनकी कई तारीखी यादगारी मुलाकातें रही हैं। हमारे इस तारीखी हमारे इस वेबिनार में वो आज मुअज़्ज़ज़ सदर की हैसियत से शरीक है, ये हमारी खुशबख्ती है। मैं उनसे इल्तमास करता हूँ, अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि अपनी सदारती गुफ्तगू से हम लोग प्रोफेसर सर उस्मानी साहब जी जी इरशाद माइक खोल ले माइक मैं बेहद ममनून हूँ। अच्छा जी हाँ बीच में जरा सा आवाज रुक रही थी, बहरहाल मैं बेहद ममनून हूँ उर्दू डायरेक्टर बिहार का और खुसूसी तौर पर डायरेक्टर के सदर का कि उन्होंने आज दो बहुत अहम वेबिनार के प्रोग्राम मुनाकिद किए और उसमें उन्होंने मुझे भी खसूसी तौर पर शिरकत की दावत दिया और इसके साथ डॉक्टर साहब को हेलो जी जी आवाज आ रही है जी तो मैं शुरू मैं आगे बढ़ूं जी 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 शायद जी आवाज आ रही है कहाँ जाए जी पहले तो मैं जो अभी मकालात पढ़े गए उनके जो कुछ बुनियादी नुकात हैं उन पर अपनी तवज्जो मरकूज कर करके कर अपने सिलसिले में एक बात मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्टरेट ने वाकई जो खिदमत अंजाम दी है और जिस तरह से उर्दू के फरोग के सिलसिले में वो आप उर्दू के फरोग के सिलसिले में काम कर रहे हैं और उसने अच्छा एक जिंदा माहौल पैदा कर दिया उर्दू के लिए हेलो देखिए क्या है आवाज नहीं आ रही है
जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। अरे देखो भाई आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं आवाज आ रही है मधुरम, आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है। अच्छा आवाज आ रही है ना। जी जी सिलसिला जारी रखा जी। बहरहाल चलिए वाह जी हाँ, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। डायरेक्टर साहब ने अपने हालिया मकतूब में इस बात का जिक्र इसलिए जरूरी समझता हूँ कि हम लोग यहाँ पर जिस मौजूद गुफ्तगु है उस पर खसूस तवज्जो मरकूज करते हुए जो एक दो बातें बेहद अहम हैं उसकी निशानदेही मैं करना जरूरी समझता हूँ। मुझे डायरेक्टर के सेमाही मजल्ला भाषा संगम की तरफ आपके सदर साहब ने मुतवज्जे किया था डायरेक्टर साहब ने, और एक मजमून की फरमाइश भी की। अजीब इत्तेफाक से उन दिनों मेरी तबीयत जलील थी और नतीजा उसका ये है कि अच्छा मैं इंशाल्लाह आइंदा कलवी ताउन का सिलसिला जारी रखूंगा। मैं मुख्तर कर रहा हूँ, मुनासिब नहीं है चूंकि वक्त नहीं है। मैं इसमें खास तौर पर यह बड़ी खुशी की बात है कि आज के सेमिनार जो सेमिनार अभी वेबिनार मुनक़िद किए गए उनमें सबसे पहले तो उर्दू के एक्सेप्टेबल के मुतरीन नाफिज़ और शख्सियत के मालिक प्रोफेसर नौकरी के वजूहत कमाल के इतराफ में ये अदबी यादगारी सेमिनार मुनक़िद किया गया। समझा इसने वाकया को उर्दू डायरेक्टर को फिर से मुताबिक कर दिया है। ये एक नेक शगून है। अब उर्दू के एक मुनफिद गजल को अब बुजुर्ग इंशा बरदाज अदीब डॉक्टर माजिद की खिदमात के इतराफ़ में यादगारी वेबिनार मुनक़िद करने जा रहे हैं। इससे वजह तो आप उर्दू डायरेक्टर से बड़ी तवक्कुआत होती हैं और आपकी कारगुजारी की रोशन तस्वीर उजागर होती है। दुआ है कि उर्दू डायरेक्टर आपकी सरबराही और हुकूमत की सरपरस्ती में और इदारे से मुंसलिक अफसर ने बाला साथ के तआवुन से उर्दू के अकाला तरीन कलीदी और मिसाली इदारे के हैसियत से तरक्की फरोग के मनाजिल फलकी तय करता जाए। बहरहाल ये जंग बातें मैंने खास तौर पर शुरू की हैं। ये वाकया ये है कि साहब एतराज करना बेहद जरूरी है डायरेक्ट की खिदमात का कि जिनकी शिकायत से कम ये सब इतहाम प्रोग्राम मुनद हो रहे हैं। बहर गए इस सिलसिले में आप जो पेपर्स पढ़े गए हैं मैंने जो कुछ समझ सका की रुकावट हो रही थी, लेकिन बहर गए जो सबसे बड़ी बात है जो कुछ मैंने महसूस किया है और जो कुछ सुना मैंने उसकी रोशनी में मैं बहरहाल एक दो बातों की निशानदेही खास तौर पर सबसे पहले जो मकाला पढ़ा गया आपके हमारे इनका भाई वो मकाला आपके वो मकाला पहला था अलवी हमारे अली क्या नाम था उनका भाई उनका है? नहीं, है? क्या जी जी छोड़िए ना बता रहा हूँ संगीत की शायरी पर पढ़ा गया मकाला समझाने और वो मकाला प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब अच्छा था अली अहमद फातमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया माफ कीजिएगा मैं ज्यादा भूल गया था। तो अली अहमद फातमी साहब का मकाला बहुत अच्छा था, बहुत मुफसल मकाला था और उन्होंने बेहद अहम पहलू निशानदेही की। उन्होंने खास तौर पर एक पहलू की निशानदेही की कि भाई ये क्या मामला है ये कि खाम खा ये कहना जरूरी समझा जाता है कि कोई शख्स तकदीर के रंग में कहता है तो ये आप खास साबित करना चाहते हैं कि तकदीर की ओर पैदवी कर रहा है तो ये सही नहीं है। और ये है कि खास तौर पर मैं बताऊं आपके यहाँ दो शायर खास तौर पर हमारे यहाँ हुए अब खलील अहमद आपके खलील ये भाई डॉक्टर तो हम के वहाँ बता रहा हूँ माफ कीजिएगा खलील रहमान आजमी साहब हाँ नहीं नहीं बता रहा हूँ मैं खलील आजमी खलील रहमान आजमी के साथ साथ हमारे यहाँ सरयानी ये जो अभी अब हम जिस मौजूद गुफ्तगू है उसके सिलसिले में बताऊँ कि खास तौर पर हमारे ये जो सारा भी कहा उन्होंने समझाने उसने ये बताऊँ कि साहब जिस पहलू को खास तौर पर उन्होंने बताया ये कि साहब वो कलीम आजी साहब समझाने कलीम आजी साहब ने आपके मीर शनासी है वो दरअसल देखा जाए तो ये कि मीर की पैरवी बिल्कुल नहीं है। हाँ ये सही है कि हम लोग लगातार जो करते हैं ये कि साहब के साथ लफ्जी जो पैरवी होती है जैसे मीर के रंग में तो उसकी वजह से हम उनको मीर की तकलीफ से मंसूब कर देते हैं ये सही नहीं है। तो अब ये है कि उन्होंने बहरहाल मीर की तरफ आप जो अंदाज गुफ्तगू है
جہاں ہمارے آپ کے صاحب کے خاص طور پر ابھی کلیم عادل صاحب کا کلیم عادل صاحب نے آپ کی جو آپ کی جو اپنے اندوغم کا اظہار کیا ہے انہوں نے, تو اب یہ ہے کہ اب اس سلسلے میں دیکھنا چاہیے کہ صاحب یہ جو کلیم عادل صاحب نے میر کے رنگ میں جو کہنے کی بات کہی ہے تو اس میں کس حد تک سمجھا کہ نہیں, انہوں نے خود بھی اپنے طور پر جو کچھ سمجھا کہ نہیں, جو شاعری میں جو عدت پیدا کی ہے انہوں نے, وہ خود کہتے ہیں کہ ان کا انداز کلام جو ہے وہ ظاہر کلاسیکی اسلوب پر, غزل کلاسیکی اسلوب پر مبنی ہے جس میں انہوں نے ایک عدت پیدا کی ہے. تو یہ خاص طور پر اس نقطے کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے جب بھی ہم سمجھا کہ نہیں, خاص طور پر مثلاً کلیم عادل صاحب کا جو میر کا رنگ ہے تو ہم اس کو خاص طور پر یہ کہیں کہ صاحب یہ میر صاحب کا رنگ مظاہر ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میر صاحب کا جو کلیم عادل صاحب کا جو طبعیم اعلان ہے دراصل انہوں نے اس کی اس کا اظہار کیا ہے. تبھی صحیح معنوں میں ہم کلیم صاحب عادل صاحب کا کی شاعری کی حقیقی اہمیت اور قدر و قیمت کا اعتراف کر سکیں گے. تو یہ خاص طور پر تھی جس نے بات رنگ ہے ان کا اپنا رنگ ہے. اچھا تو یہ تو خاص بات ہو گئی. اور پھر یہ میں بتاؤں آپ کو خاص طور پر جو ظاہر ہے کہ ان کی شاعری جو ہے دراصل ان کی آبی تھی, یہ ان کی غزل کی شاعری بنیادی پر آبی ہوتی ہے, بنیادی طور پر غزل کی شاعری شاعر کی آبی ہوتی ہے, مگر اس سے ہٹ کر دیکھا جائے تو خاص طور پر میں نے دیکھا دو شاعر ہمارے حضر حاضر کے سمجھانے جس میں خلیل آدمی صاحب ہیں خاص طور پر ہیں سمجھانے اور ہمارے کلیم عادل صاحب ہیں, ان دونوں نے خاص طور پر جس غم و اندو کا اظہار کیا ہے اپنی شاعری سمجھانے, تو اس کی وجہ سے یوں سمجھیے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب انہوں نے میر کی پیروی کی ہے, یہ صحیح نہیں ہے سمجھانے. اور دونوں شعرا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں دیکھا جائے اپنے انفرادی رنگ و آہن سے بھی ممتاز ہیں, صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ہم نے خاص طور پر کلیم عادل صاحب کا مقال لکھا جس میں نشاندہی کی تھی کہ بھئی اگر میر کے یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اگر اس کی پیروی کی جائے تو اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی میر کی تقلید کر رہا ہے سمجھانے. تو بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ شاعر میں بنیادی نقطہ اٹھایا گیا اور واضح طور پر کلیم عادل صاحب کی شاعری جو انفرادیت ہے اس کو نمایاں کیا گیا. ویسے انہوں نے بہت سے نقطے اور بھی اٹھائے ہیں تو اس وقت اس پر گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے خاص طور پر, لیکن یہ ضرور ہے کہ ان تمام پہلوؤں کو ہمیں بہت تفصیل سے جائزہ لے کر کے ان کی انفرادیت کو نمایاں کیا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے, ہم لوگ اس لحاظ سے کلیم عادل صاحب کی شاعری کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے. اچھا یہاں یہ ہے کہ وہاں پر اشعار میں نے کچھ لکھے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اب رہا کہ دوسرا جو مقالہ ہے آپ سے وہ آپ کے ان کی نثر نگاری پر ہے, آپ کے ان کا ذہن صاحب کا کیا تھا, ان کا نام تھا ان کا بھائی شہزاد انجم صاحب, دوسرا مقالہ سنتا تھا رضوان احمد خان محمد رضوان, دوسرا مقالہ رضوان احمد خان صاحب, تو انہوں نے احوال و اشعار پر گفتگو پر, تو یقینی طور پر یہ بے حد اہم پہلو ہے آپ کلیم عادل صاحب سے متعلق. اور ایک بات میں خاص کر سکتا ہوں, بڑی بات یہ ہے کلیم صاحب کی شاعری جو ہے ان کی شخصیت کی بالکل ہم آپ جانا, تو اب اسی صورت میں کلیم عادل صاحب کی شاعری کے پہلو کو سمجھنے کے لیے اشد ضروری ہے کہ ان کو جو حلال الفاظ ہے اس پر بھی ہم نظر رکھیں خاص طور پر. اس لحاظ سے انہوں نے اپنے اس مقالے میں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت اہم پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے, جس سے کم از کم اتنی بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے کلیم عادل صاحب کی شاعری جو ہے ان کی جو شاعری جو ہے ان کی شخصیت کی بالکل ہم آہنگ. اور اسی لیے میں دیکھتا ہوں اگر آپ دیکھیں تو میریت کا جو معاملہ اس کو دیکھا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ ان کی شاعری میں جو اپنا رنگ ہے بالکل بالکل اس طرح سے جذب ہو گیا ہے کہ بالکل وہ چیز ان کی بالکل استعمال ہوتی ہے. اچھا اس کے علاوہ دیکھا جائے اگر تو قوال و آثار کے سلسلے میں کلیم صاحب کی ایک شخصیت خاص طور پر تھی, مذہب سے ان کی جو دین اسلام سے خاص طور پر جو ان کی مطلب یہ ہے کہ وابستگی تھی, اور اس سلسلے میں جو دورے کیے خاص طور پر تبدیل جماعت وابستہ ہونے کے بعد جانے
तो वो रंग बहुत ज्यादा नुमाया हो गया उनका, और उसकी वजह से उनकी शायरी में भी वो पहलू ज्यादा नुमाया हुआ। अच्छा, अब ये बात और भी है ये साहब समझाने, वो खासतौर पर तीसरा मकाला जो हमारे शहजाद अंजुम साहब ने पेश किया, शहजाद अंजुम साहब ने उसी नसर निगारी के सिलसिले में बहुत तफसील के साथ संविधान का जायजा लिया उन्होंने, और उन्होंने कई आवाज रुक गई आपकी ये है खास तौर पर है जिसमें इस खास को इजहार उन्होंने किया है। और फिर इसके अलावा जो मोहब्बत प्यार और शिफ्तगी का मामला उनके यहाँ है, ये बुनियाद है समझा की नहीं, उनकी शादी की पहचान की, तो ये भी बहुत अहम पहलू है समझा ने जिसके सामने रख करके अब उनकी शायरी का ज्यादा बेहतर तौर पर रख सकते हैं और मध्यम कर सकते हैं। और सच्ची बात तो यही कई पहलू है समझा ने कई साधना के बावजूद देखे, आप गौर कीजिए सकें तो आफत क्या आई, और उसमें जो सन 47 में जो फसादात हुए उसकी वजह से जो पूरा खानदान उनका तबाह बर्बाद हो गया, इसके बावजूद भी आप देखिए तो उन्होंने अपनी यूँ समझिए कि साहब उन्होंने अपने आप को संभाला उन्होंने, और मोहब्बत और प्यार का जज्बा बरकरार रखा उन्होंने, ये बड़ी बात है। और सारी चीज ऐसा लगता है कि भूल गए उन सारी चीज़ों को, तो ये भी बहुत बड़ी बात है जाने उनकी शख्सियत के इस पहलू को भी खास तौर पर सामने रखने की जरूरत है ये जाने। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो बातें इस वक्त कही गई हैं खास तौर पर बहुत सारी हैं, जहाँ तक मैं उनको समझ सका है उसके लिहाज से मैंने बातें कुछ आपके सामने रख दी हैं जाने। गुरमत इस बात की है बहरहाल कि साहब इस ज़्यादा तफसील से गुफ्तगु की जाए समझाने। जी जी बेहतर किताब ये उर्दू डायरेक्टर की तरफ से आइंदा जो है मीनार मुनक़िद होंगे उसमें, जिसमें ख़ास तौर पर चाहते हैं कि आपके मौनी साहब भी जिन पर सही मानों अभी तक ठीक से उनका जायजा उनके जो जो काम किया उन्होंने तनकीद निगार की हैसियत से और दूसरी हैसियतों से उसका ठीक से जायजा नहीं लिया गया। इसी तरह से आपके हमारे करीम आजिज साहब का मुताला भी सही मानों में ठीक से नहीं किया गया, इसी का जावेदा साहब ने मुताला किया है, और इसके साथ साथ कुछ लोग मजामिन भी लिखे हैं, मगर अभी तक मैं ये समझता हूँ कि उनका तमाम बहु मुताला नहीं किया गया है अभी तक। तो ऐसी जरूरत इस बात की है कि इस पहलू को सामने रख करके हम आइंदा भी कलीम हाजी साहब और अब्दुल मगनी साहब को बाद गुफ्तगु बनाएं और ज़्यादा तफसील से हम उनका मुताला करें ताकि सही मानों में उनके खिदमत और कारनामों की आग में उजागर हो सके। माफ़ कीजिएगा इस वक्त ये चंद बातें दर्ज करनी थी बनाने, इसलिए मैंने इसी तरफ से पार्ट की बात बस कर रहा हूँ। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके ममनून करम है कि आपने इस पीरां साली में भी हम लोगों के मकाले में इस नए आलात के साथ लैस होकर के आप शरीक हुए, जिसमें आपको दिक्कत हुई परेशानी हुई, इसके लिए हम मज़द खां हैं। लेकिन यह है कि आपकी ज़ाती हम लोग के लिए बहुत ही मुबारक है, बहुत ही कीमती है और मुतबर्रक है, आप इसमें शामिल हुए यही हमारी कामयाबी है, और हम अपने बड़ों का एहतराम और उनकी तौकीर और उनका सही माने में उनकी कदरदानी करना चाहते हैं, ख्वाह वो फौतशुदा हों या हमारे सामने जिंदा और ताबिंदा हों। उर्दू डायरेक्टेट आज आपको अपने इस प्रोग्राम में शामिल करके मसनद सदारत पेश करके हम लोग एक खुशगवारी का एहसास कर रहे हैं, और आपने बहुत तफसील के साथ बातें बयान की, अगरचे इसमें तकनीकी खराबी की वजह से मुखल हुई, लेकिन आपने आखिरी में ये तजवीज़ भी रखी कि प्रोफेसर अब्दुल मौनी साहब और कलीम आजी साहब पर जो काम होना चाहिए था, जिस तरह तफसीली मताला और तफसीली उनका तजिया करने की ज़रूरत है वो भी नहीं हुआ। मुतकाजी है कि उर्दू डायरेक्टेट इसको वसी पैमाने पर करे, इंशाल्लाह हम आपकी इस तजवीज़ को पेश नज़र रखेंगे और अल्लाह ने मौका दिया तो काम होगा। हम आपकी शुक्रगुजारी के साथ काम को समेटते हैं, ख़त्म करते हैं, और शुक्रिया के प्रोग्राम के लिए, शुक्रिया के तजवीज़ के लिए अपने डायरेक्टर मोहतरम अहमद महमूद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि शुक्रिया करें, शुक्रिया की रस्म अदा करें। मोहतरम अहमद महमूद साहब, शुक्रिया की रस्म के लिए। इस वेबिनार में आज कलीम आजिज साहब की यादगारी वेबिनार में शिरकत के लिए मैं सबसे पहले सदर मोहतरम जनाब अबू ज़र उस्मानी साहब उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ज़ईफ़ी के बावजूद भी अपने जैसा कि असलम साहब ने कहा कि बिल्कुल
नए गैजेट के साथ आप इसमें शामिल हुए सर, इसमें कुछ दुश्वारी भी हुई लेकिन बहरहाल आपकी सरबराही में ये वेबिनार आपकी सदारत में अब ये ख़त्म होने जा रहा है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साबिक शोबे उर्दू, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी अपनी मसरूफियत के बावजूद वक्त निकाल कर अपना मखाला पढ़ा। प्रोफेसर शहजाद अंजुम साहब सदर शोबे उर्दू जामिया मिल्लिया इस्लामिया, काफ़ी डिटेल्स में आपने कली माजिद साहब की नसर निगारी पर तबसरा किया, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे तीसरे मखालाकार जनाब डॉक्टर ख़ान मोहम्मद रिजवान साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कली माजिद साहब की शख्सी अहवाल व आसार पर रोशनी डाली और उनके ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं से हम लोगों को की जानकारी दी। ख़ास तौर से मैं जो YouTube, Facebook और जो हमारा लिंक था कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का, उससे जो भी हमारे सामीन जो व्यूवर्स जुड़े उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, असलम साहब जिन्होंने खाका तैयार किया इस वेबिनार का, और हमारी जो टेक्निकल टीम है उर्दू डायरेक्टरेट की उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर मोहतरम ने सही फरमाया कि जो यादगारी तकरीबात हम लोग कर रहे हैं उन पर और भी काम करने की ज़रूरत है और उनके जो खिदमात हैं उन पर और रोशनी डालने की ज़रूरत है, तो हम लोग उनके मशवरे को उनकी तजवीज़ को पर इंशाल्लाह अमल करने की कोशिश करेंगे और अगर माहौल साजगार हुए तो हम लोग वर्चुअल ना बल्कि फिज़िकल ही हॉल में फिर और भी अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह और भी यादगारी तकरीबात का इनेकाद करेंगे। और फिलहाल अभी तो माहौल ऐसे हैं कि हम लोग हॉल में कोई फंक्शन अभी करने की पोजीशन में नहीं है, तो कल एक और वेबिनार है उर्दू डायरेक्टरेट के ज़रिए है तमाम शीन मुजफ्फरपुरी साहब पर, तो उसमें भी है, तो जो हजरात आज शामिल हुए हैं जो सामीन और हमारे मखालाका हजरात सदर मोहतरम, उनसे भी गुजारिश होगी कि कल भी आप शामिल हों और हम लोगों की हौसला अफजाई करें, सरपरस्ती करें, सरबराही करें कि और मज़ीद जो यादगारी तकरीबात हैं और जो भी जो प्रोग्राम उर्दू डायरेक्टरेट के ज़ेर अहतमाम होने हैं उनमें और कैसे बेहतरी लाई जा सके। तो सभी लोगों का मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना बेशकीमती वक्त निकाला हम लोगों की रहनुमाई की, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.